अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है साजिद खान गौरी और ये वेबिनार लर्न एंड ट्रेड की तरफ से मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो रहा हूँ। आज के वेबिनार का टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट टू। इसका पार्ट वन दो दिन पहले दिया गया था, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स सीखी थी, सिर्फ इतना जितना हमें ट्रेडिंग में काम दे। आज उन्हीं टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हुए मैं आज आपको बताऊंगा कि हम न्यूज के साथ ट्रेडिंग कैसे करते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हम रीसेंट एग्जांपल्स देखेंगे, इसमें आपको पता लगे कि ट्रेडिंग एंड न्यूज, अगर किस तरह की न्यूज आए उनको ट्रेड किया जा सकता है। लर्निंग आउटकम्स, हम सबसे पहले रेट पैग के बारे में सीखेंगे। रेट पैग क्या होता है जो दो करेंसीज के दरमियान लगता है, और रेट पैग अगर हमें पता चल जाए देन हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मुख्तलिफ टाइप की न्यूज की, उनको कैसे ट्रेड किया जाता है, उनमें आने वाली डाइवर्जेंस, मार्केट एक्सपेक्टेशन, सेंट्रल बैंक का व्यू, और जो डेटा रिलीज होता है, ये सब चीजें हम सीखेंगे। और इन सब को सीखने के बाद आखिर में इनको एक्यूरेसी, हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ कैसे ट्रेड किया जा सकता है। सबसे पहले रेट पैग। रेट पैग क्या होता है? आसान जबान में मैं आपको समझाऊं कि रेट पैग क्या होता है कि एक मुल्क का सेंट्रल बैंक किसी दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट फिक्स कर देता है कि इससे नीचे जो है या ऊपर हम नहीं जाने देंगे। मिसाल के तौर पे, जैसे कोई भी सेंट्रल बैंक कहता कि ये एक्सचेंज रेट मार्केट को, रेट पैग होता क्या था हकीकत, ये दूसरे अल्फाज में मार्केट को एक धमकी देता है। सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट को एक धमकी होती है कि खबरदार, जिस पेयर के ऊपर वो रेट पैग लगा रहे होते हैं, खबरदार उस पेयर को आपने इस लेवल से नीचे ले जाने की कोशिश की, प्राइस को इस लेवल से नीचे ले जाने की कोशिश की, हम मदाखलत शुरू करेंगे और इतना ज्यादा मदाखलत करेंगे सेंट्रल बैंक फॉरेक्स मार्केट में कि उसे मजबूरन वहां से पलटना पड़ेगा। तो यानी सीधी धमकी होती है, अगर नीचे ले जाने की कोशिश करोगे आप अपनी ट्रेड लूज करोगे। तो उसका एक्सचेंज रेट, वो एक रेट बता देते हैं, इस रेट से नीचे नहीं लेके जाना, या एक रेसिस्टेंस लेवल बता देंगे कि खबरदार इस रेट से ऊपर हमारी करेंसी को नहीं लेके जाना। इस एक्सचेंज, ये जो पेयर है, जो भी पेयर, वो बताएंगे कि इस पेयर को इससे ऊपर नहीं लेके जाना। तो छत फिक्स कर देते हैं, एक सीलिंग लगा देते हैं। और अगर आप ऊपर जाने की कोशिश की, हम सेलिंग में आएंगे और प्राइस यहां से पलट जाएगी। रेट पैग से फायदा कैसे उठाया जा सकता है? मिसाल के तौर पे अगर आपको पता चल जाता है कि किसी एक सेंट्रल बैंक ने रेट पैग लगाया हुआ है, ठीक, और हमें पता चल जाता है कि इन्होंने फ्लोर लगाया हुआ है, एक फ्लोर लगा दिए, अब ट्रेडिंग कैसे की जा सकती? बहुत आसान हो जाता है कि प्राइस जब भी घूमती फिरती या करीब में आए आप बाय ट्रेड लगा दो, एसएल नीचे लगा दो। सेंट्रल बैंक की धमकी आपके एसएल को प्रोटेक्ट कर रही होगी, क्योंकि अगर मार्केट के लार्ज प्लेयर्स नीचे आने की कोशिश करेंगे तो सेंट्रल बैंक इस लेवल को प्रोटेक्ट करेगा और प्राइस यहां से पलटेगी और आपको प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर आपको पता चलता है कि सेंट्रल बैंक ने एक सीलिंग लगा दी है
आप क्या कर सकते हैं, पर जब भी घूमते फिरते यहाँ पे आए, आप सिंपली यहाँ से सेल कर सकते हैं, ऊपर अपना एसएल लगा सकते हैं। अब इस लेवल को सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट करेगा, और अगेन प्राइस जब यहां से जाएगी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये हो गया आसान जबान में रेट पैक। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, और फिर मैं चार्ट पे भी चल के आपको एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगा। वो एग्जैक्टली तो रेट पैक नहीं लगा, लेकिन हम पास्ट में ये चीज देखेंगे। एग्जांपल इसकी क्या है, आप सबको पता होगा स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक है, उसका नाम है स्विस नेशनल बैंक, SNB, राइट? स्विस नेशनल बैंक। अब मैं आपको वही चीज कॉल करता हूं, सबने मैंने जो आपको मार्केट सेंटिमेंट पढ़ाया था ना, उसमें मैंने स्विट्जरलैंड की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि स्विट्जरलैंड का कि रिस्क ऑफ में स्विस फ्रैंक को क्यों बाय किया जाता है। हम उसी को इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड मैंने आपको बताया था कि यूरोप के बीचों बीच है, इसको कोई समंदर नहीं लगता। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये तीन चार मुल्क आपको बताए थे ना, इनके बॉर्डर लगते हैं आपको, यानी इसको समंदर नहीं लगता। क्योंकि इसकी जुग्राफियाई जो लोकेशन है वो यूरोप के बीचों बीच है, तो ऑटोमेटिकली सी बात है इसका सबसे ज्यादा बिजनेस यूरोप के साथ है। लाइक तीन चार मुल्क हैं जो इसके, पूरा यूरोप फैला हुआ है, ये यूरोप के बीचों बीच है। अब इसकी जो है ज्यादातर तिजारत यूरोप के साथ होती है। अब यूरोप के साथ जब तिजारत होती है तो अब इसमें मैं आपको मार्केट सेंटिमेंट में जो हमने पढ़ा था वो भी, और फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट वन में, वो सारे में कॉन्सेप्ट कंबाइन करके जोड़ के बताऊंगा। इसमें आपको पता है कि अगर ये ज्यादातर तिजारत करता है इनके साथ, तो ये स्विट्जरलैंड वाले हमेशा चाहेंगे हम जो भी एक्सपोर्ट्स करते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी यूरोप को देते हैं, वो हमेशा ज्यादा रहें या और बढ़ें, ये इनकी ख्वाहिश होगी। क्योंकि इस तरह से इनकी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी तो इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है। एक्सपोर्ट्स ज्यादा होने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने आपको फंडामेंटल पार्ट वन में बताया था कि अगर आपकी अपनी इन्फ्लेशन ज्यादा रखेंगे ना, तो आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा रहेंगी। इन्फ्लेशन ज्यादा रखने का मतलब क्या होता है, अपनी करेंसी को डिवेल्यू करना, या ये कह लो गर्दिशी नोटों की तादाद में इजाफा करना। अगर स्विट्जरलैंड अपने गर्दिशी नोटों की तादाद में इजाफा रखेगा, ज्यादा रखेगा, तो यकीनन इनकी इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगी। इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगी तो इनकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा रहेगी, एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगी तो इनको इनकी इकोनॉमी बल मजबूत होगी। अब उस इन्फ्लेशन को ज्यादा रखने के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ स्विट्जरलैंड क्या करता है, कि इन्होंने 0.75% यानी 1% का 3/4 नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मुतारिफ करा के रखा हुआ है। इतना हाई नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पूरी दुनिया में सबसे मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव रेट जो है स्विट्जरलैंड का है। यानी 1% का उसका 75%, 1% के अगर 4 हिस्से करो तो 3 हिस्से एक साल में कट हो जाते हैं। इतना नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मुतारिफ कराने का मकसद है, ये अपनी इन्फ्लेशन ऊपर रखना चाहते हैं, हमेशा इन्फ्लेशन ऊपर रहे। आपको पता है बैंक ऑफ जापान भी यही कर रहा होता है, उन्होंने भी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मुतारिफ कराए हुए, और वो भी साल भर क्वांटिटी ईजिंग करते रहते हैं। ये दो बैंक हैं जो साल भर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी है और साल भर क्वांटिटी ईजिंग करते रहते हैं दोनों, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि हमारी इन्फ्लेशन बढ़ी रहे। दोनों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी रिस्क ऑफ सेंटिमेंट स्टार्ट होता है, पूरी दुनिया का बड़ा इन्वेस्टर जापानी येन और स्विस फ्रैंक को खरीदता है। जब वो खरीदता है तो उनकी गर्दिशी नोटों की तादाद में कमी वाक़ई होती है, यानी इन्फ्लेशन गिरने लगती है।
इन्फ्लेशन गिरने लगती है तो इनका एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स, जीडीपी पे असरअंदाज होता है। यही वजूहत है कि ये दोनों बैंक मुस्तकिल कोशिश में होते हैं कि हमारी इन्फ्लेशन ज्यादा रहे, हाई रहे, और इसीलिए इन दोनों बैंकों ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मुतारिफ कराया हुआ है और क्वांटिटेटिव ईजिंग करते रहते हैं। इवन स्विट्जरलैंड का बैंक तो बहुत ज्यादा करता है, ऐलान करता है और बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा रहे। तो स्विट्जरलैंड ने क्या किया था, स्विस नेशनल बैंक ने, इन्होंने यूरो स्विस पर इन्होंने रेट पैक लगा दिया। आइए मैं आपको चार्ट पे भी लेके चल के एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए मैं क्या बात कर रहा हूं। आप लोगों को चार्ट नजर आ रहा होगा, हम चलते हैं यूरो स्विस में ताकि आप लोगों को मैं बात समझा सकूं। ये देखिए अब ये चार्ट है, आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि ये मूव मैंने एक्सप्लेन करनी है जो कि रेट पैक की वजह से उनकी। अब ये समझ लो चार्ट है ऐसे, ठीक है, ये रहा। इस पेयर को कहते हैं यूरो स्विची, कह सकते हैं आप इसे यूरो सीएचएफ। स्विट्जरलैंड की करेंसी, यूरोप की करेंसी। इन्होंने अगर ये पेयर ऊपर जाता है, इसमें इस पेयर में प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यूरो की कदरों कीमत में इजाफा हो रहा है। अगर इनकी प्राइस ऊपर जाती है तो यूरो की कदरों कीमत में इजाफा हो रहा है और स्विट्जरलैंड सीएचएफ में कमी वाकई हो रही है। तो एसएनबी यही चाहता है, एसएनबी हमेशा यही चाहता है कि ये पेयर ऊपर जाया करे। जब भी पेयर ये गिरने लगता है ना, स्विस नेशनल बैंक को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेयर नीचे गिरता है तो इसका मतलब ये है कि यूरो की कदरों कीमत में कमी वाकई हो रही है और स्विट्जरलैंड की करेंसी में वैल्यू बढ़ रही है। ये नहीं चाहते हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़े, ये हमेशा अपनी करेंसी को डिवैल्यू करने के चक्कर में होते हैं, क्योंकि जब डिवैल्यू करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इनकी एक्सपोर्ट्स, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट होगी। तो ये हमेशा इनकी कोशिश होती है कि हमारी करेंसी कमजोर होती रहे। यानी आइडली स्विस नेशनल बैंक चाहता है कि ये पेयर अपर टेरिटरी में रहे, यहां घूमे, नीचे आए, नीचे ना आए, क्योंकि नीचे आएगा तो प्रॉब्लम क्या शुरू होगा। ये पेयर जब नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम ये शुरू होगा कि स्विस फ्रैंक यूरो के मुकाबले में ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। जब स्विस फ्रैंक यूरो के मुकाबले में ताकतवर होना शुरू हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, स्विस फ्रैंक जब ताकतवर होगा तो स्विट्जरलैंड की प्रोडक्ट यूरोप को महंगी में पड़ेंगी। तो यूरोप स्विट्जरलैंड से प्रोडक्ट खरीदने की बजाय बाहर के लोगों से, बाहर के मुल्कों से प्रोडक्ट खरीदेगा और इनकी एक्सपोर्ट गिरेगी, जो कि इनकी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसका हल इन्होंने ये निकाला कि इस पेयर को नीचे जाने से रोकने के लिए स्विस नेशनल बैंक ने ये हल निकाला कि रेट पैग लगा दिया जाए। अब रेट पैग क्या था, ये आपको रेट नजर आ, मैंने लेवल भी लगाया हुआ है, ये लेवल देखें। इन्होंने मार्केट को धमकी दी कि जी जस्ट 1 मिनट, एक मिनट और दीजिएगा। इन्होंने मार्केट को धमकी दी
कि अगर तुमने इस पेयर का रेट इसी पेयर का क्यों, क्योंकि उनको कंसर्न ही यूरोप के साथ था कि हमारी करेंसी अगर वैल्यू हासिल करेगी, ज्यादा वैल्यू हासिल करेगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, और हमारी करेंसी जब ज्यादा वैल्यूड हो जाएगी तो यूरोप को हमारी चीजें महंगी मिलेंगी, ये बाहर की दुनिया से चीजें खरीदना शुरू करेंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी। इसको बचाने के लिए उन्होंने एक रेट पैग लगा दिया। रेट पैग क्या, इन्होंने सिंपली मार्केट को धमकी दी कि ये हम फ्लोर लगा रहे हैं, सपोर्ट लेवल लगा रहे हैं इस प्राइस चार्ट में, अगर तुमने इसको इससे नीचे लेके जाने की कोशिश की ना तो हम इतना ज्यादा बाय करेंगे, सॉरी इतना ज्यादा स्विस फ्रैंक को कमजोर करेंगे। कमजोर कैसे कर सकते हैं, नोट छाप छाप के मार्केट में एंटर करें, फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर करें, बहुत ज्यादा तादाद में नोट प्रिंट करें, कि स्विस फ्रैंक को इतना कमजोर करेंगे कि पेयर दोबारा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर आने की सूरत में जब पेयर ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, यूरो ताकत पकड़ रहा है और स्विस फ्रैंक कमजोर हो रहा है। तो इन्होंने ये कहा था कि ऊपर घूमते रहो, खबरदार इस लेवल की तरफ मत जाना, इस लेवल की तरफ गए क्रॉस करने की कोशिश की हम मदाखलत करेंगे और मार्केट ना शुरू हो जाएगी। और उसके पीछे लॉजिक क्या थी, लॉजिक ये थी कि यूरो के मुकाबले में स्विस फ्रैंक को ताकतवर होने से रोकना है, तो ताकतवर हो गया तो प्रॉब्लम ये होगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी, तो उन्होंने रेट पैक लगा दिया। अब आप देखें यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस गई। अगर रेट पैक आपको पहले से पता होता, ठीक, जस्ट वन मिनट, अगर रेट पैक का पहले से पता होता आपको, हाँ ये हसन आप ऑनलाइन हो, बार बार भाई आपका जो है ना चैट नहीं चल रही, इसको प्लीज देख लें चैट। हाँ नहीं चैट वो उसमें बंद हुई हुई है, कोई मैं सबको यही कहा है कि अपना जब मैं सवाल अलाउ करूंगा अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं माइक ऑन कर दूंगा, तो इसमें चैट नहीं चल रही, ठीक है, मुझे मालूम है हसन, मैंने सबको बता दिया है। तो अभी इस अच्छी बात भी है, दरमियान में चैट बंद है तो इसका अच्छी चीज ये है कि दरमियान में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, खामोशी से सुनेंगे, अपना सवाल नोट पैड पे लिख, अपने राइटिंग पैड पे लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जब मैं सवाल ऑन करूंगा तो अपने रेज हैंड रेज कर सकते हैं, मैं एक एक करके माइक ऑन करूंगा और डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अब अगर आपको यहां पता लगता कि स्विस नेशनल बैंक ने रेट पैग लगाया हुआ तो हम क्या करते, हम ऐसे बाय करते, नीचे ऐसे लगाते, प्राइस ऊपर दोबारा नीचे, हम फिर मैंने इसमें किया है, मैंने इसमें ट्रेडिंग की है रेट पैग पे ना मुसल, ये मतलब रेट पैग जब ये रेट पैग हुआ था मुझे उस वक्त मालूम था, ठीक है, बल्कि मैं आपको दिखाऊं ये रेट पैग में यहां से ये वो टाइम है, ठीक है, ये वो टाइम है 2011 जब मैंने ट्रेडिंग सीखना शुरू की थी और उन्हीं दिनों में मुझे रेट पैग का पता चला था, तो ये बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, मैंने इनको ट्रेड किया था ये अपॉर्चुनिटीज को ना, बट एक फ्लोर लगा हुआ था और मुझे याद है मैं 2 या 3 दफा ट्रेड किया था इसे, एक दफा यहाँ से ट्रेड किया था, शायद एक दफा यहाँ पे ट्रेड किया था और एसएल नीचे लगा दिया था। और ये देखें ये धमकी कैसे काम कर रही थी कि इस लेवल से प्राइस को नीचे नहीं आने दिया। फिर अचानक हुआ क्या, अभी मैं आपको बता रहा हूँ रेट पैक का फायदा, रेट पैक का फायदा क्या है कि आपको फ्लोर पता लग गया, आपने सपोर्ट लेवल लगा लिया, आप जब भी करीब आ रही है तो उसे बाय कर रहे हो, आपको पता है इसने ऊपर जाना है, एक किस्म की गारंटेड ट्रेड। लेकिन इस गारंटी के साथ हुआ क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है, ये 15 जनवरी 2015 की बात है कि रेट पैग लगा हुआ था, इनको इतला मिली कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू कर रहा है। अब अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू करेगा तो इसका मतलब है उस यूरो की वैल्यू में बहुत
जारहाना अंदाज में कमी लेके आएगा। जब यूरो में वो जाराना अंदाज में कमी लेके आएगा तो ये पेयर तो अल्टीमेटली भागेगा ना नीचे, नीचे गिरेगा। तो एक सेंट्रल बैंक दूसरे सेंट्रल बैंक से फाइट नहीं करता, लड़ाई नहीं रखता। ये क्यों लेके आ रहे थे? ये इनके मुकाबले में नहीं आना चाह रहे थे। ये भी एनपी इन्फ्लेशन को बढ़ाना चाह रहे थे क्योंकि यूरोप में इन्फ्लेशन मतलब डेस्परेट था यूरोप अपनी इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए। इससे मुकाबला नहीं करना चाह रहे थे, इन्होंने अपनी करेंसी को कमजोर करने की ठानी। स्विस नेशनल बैंक को सारे पता है, इनके लोग भी होते हैं, इनको बहुत पहले पता लग गया। यूरोप ने जो शुरू की थी मार्च में शुरू की थी क्वांटिटेटिव ईजिंग, इन्हें जनवरी में ही पता लग गया कि ये तो कमजोर करने जा रहे हैं, अब इस लेवल को हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये पेयर तो नीचे जाएगा भी। जब इतना जरियाना अंदाज में यूरोजोन अपनी करेंसी में कमी वाके लाएगा तो ये तो फिर बहुत नीचे जाएगा। इन्होंने क्या हरकत की जो कि ट्रेडिंग की दुनिया में एक स्याह बाब है? इन्होंने अचानक आए, जैसे इंसान सुबह मूड होके उठता है ना, 15 जनवरी 2015 को ये उठे और आके इन्होंने सिर्फ एक अनाउंसमेंट की है कि हम रेट पैग खत्म कर रहे हैं। वजहात ये थी कि इन्हें पता लग गया था कि यूरोप अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर रहा है, क्वांटिटी ईजिंग कर रहा है, ज्यादा पैसा प्रिंट करके फेंकने वाला ताकि अपनी इन्फ्लेशन बढ़े, तो हम ये लेवल रोक नहीं पाएंगे, ये करेंसी ये लेवल क्रॉस करेगी ये पेयर। ने 15 जनवरी 2015 में आके आए सुबह और आके सिर्फ ये ऐलान किया इसने कि हम रेट पे घटा रहे हैं, हम रेट पे घटा रहे हैं, अब इन्वेस्टर जो चाहें स्विस फ्रैंक के साथ कर सकते हैं। इसका मतलब ये था कि अब तुम जितना चाहे बाय कर सकते हो, और जब स्विस फ्रैंक को बाय किया जाएगा तो स्विस फ्रैंक ताकत पकड़ेगा, तो क्या होगा, ये पेयर नीचे आएगा। जरा अंदाजा करो कि चंद सेकंड के अंदर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने क्या किया इस पेयर के साथ। ये देखें, ये हुआ इस पेयर के साथ, ये देखें जो आपको ये प्राइस एक्शन नजर आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है। अब इससे प्राइस कितना नीचे गई है अब अंदाजा लगा लें, ये सिर्फ चंद सेकंडों में हुआ है, तकरीबन 2300-2400 pips का नीचे मारा इसमें। इसमें ब्रोकर बैंक करप्ट हो गए। एक था, आप लोगों को शायद नाम याद हो, अल्पारी के नाम से, अल्पारी के नाम से ब्रोकर था, ये ब्रोकर ही बैंक करप्ट हो गया क्योंकि जो ट्रेडिंग श्रेडिंग के पास लगी हुई थी ना बाय की, मेरे जैसे लोग जो जिनको रेट पैक का पता था, वो जो यहां से बाय कर रहे थे, वो सब ट्रैप हो गए क्योंकि अचानक फैसला था, अचानक फैसला था। और ये ब्रोकर तो सफा हस्ती से उड़ गया, अब ये दोबारा मतलब बैंक करप्ट हुआ है, उसके बाद फिर नहीं जो है मैनेजमेंट ने इसे संभाला है। दूसरा था एफएक्स सीएम, अमेरिकन ब्रोकर है, बहुत पुराना ब्रोकर है, ये भी बैंक करप्ट हो गया था। मतलब ये क्या थी, लिक्विडिटी बहुत नीचे हो गई थी, ये बैंक करप्ट हो गया था। अब ये 70% इसे अमेरिकन गवर्नमेंट ऑन करती है, इसे बेल आउट पे लेके आए दोबारा, तो ट्रेडर्स और ट्रेडर ब्रोकर उड़ गए थे। और इसलिए इस हरकत की वजह से स्विस नेशनल बैंक को बहुत बदनामी का सामना करना पड़ा। क्यों भाई? इसलिए कि फाइनेंस की दुनिया में जब भी आप कोई ऐसी खबर देना चाहते हैं जो कि मार्केट को बहुत बड़ा झटका देगी, तो आप कभी भी वो खबर ऐसे नहीं सुनाते कि एक दिन आए और सुबह उठ के, अब देख लें एग्जैक्टली ये कौन सा दिन है, अब देख लें 15 जनवरी 2015 का जो मैं बता रहा था। फाइनेंस की दुनिया में कभी भी ऐसे नहीं किया जाता। सेंट्रल बैंक्स की, सेंट्रल बैंक्स को पता होता है कि एथिक कोड क्या है। मतलब सेंट्रल बैंक अगर कोई भी
ऐसी न्यूज मार्केट को देना चाह रहा है जो मार्केट के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो इसके लिए एक मिसाल मशहूर है ना, इंडियन एडवर्टाइजमेंट है कि जोर का झटका धीरे से लगे। ये हकीकत है फाइनेंस की दुनिया में, ये प्रैक्टिस है कि जोर का झटका धीरे से लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है कि सेंट्रल बैंक आके पहले कहता है, जैसे मिसाल के तौर पर रेट पैक तोड़ना है ना, तो ये हरकत नहीं करेंगे जो कि स्विस नेशनल बैंक ने की। आगे कह दिया कि जी हम रेट पैक हटा रहे हैं और एकदम मूव हुई, क्योंकि इन्वेस्टर पल पड़ा, उसने स्विस फ्रैंक बाय किया और ये 2300-2400 पिप की मूवमेंट हुई। तो करता क्या है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कहता है पहले आके इशारा देता है, हिंट देता है, एक क्लू देता है मार्केट को। किस तरह देगा, मिसाल के तौर पे कह सकते हैं कि रेट पैग हमारे लिए मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर ये बात करेंगे तो मार्केट को एहसास हो जाएगा कि टूट सकता है, ठीक है। मार्केट उस बड़े बड़े झटके को पहले से फील करना शुरू कर देगी। उसके लिए इस्तलाह इस्तेमाल होते हैं प्राइस इन, प्राइस इन एक हम इस्तलाह इस्तेमाल करते हैं कि मार्केट प्राइस इन कर रही है, यानी मार्केट कोई भी असरात चार्ट के अंदर जजब होना शुरू होते हैं, हम कहते हैं प्राइस इन कर रहे हैं, मतलब झटका एब्जॉर्ब करना शुरू करती है इनिशियली कि मार्केट को प्राइस इन कर रही है। तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, आके छोटा सा हिंट देते हैं ताकि मार्केट उसे प्राइस इन कर सके और उसे एकदम झटका ना लगे। आकर कहेंगे कि हमें रेट पैक को मेंटेन करना मुश्किल लग रहा है, या हमारी मीटिंग के दौरान एक दो मेंबर्स ने ये सजेस्ट किया है कि हमें रेट पैक खत्म करने पे गौर करना शुरू करना चाहिए। अब ये इशारा है, ये हिंट है कि रेट पैक खत्म हो सकता है। फिर आके थोड़ा सा और हिंट देते हैं कि हमने अब रेट पैक को खत्म करने के लिए संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया है। एक और हिंट मार्केट के लिए कि मार्केट क्या करेगी, फिर मार्केट ऑलरेडी तैयार हो जाएगी, मतलब नए लोग बाय नहीं कर रहे होंगे, उन्हें हिंट मिलना शुरू हो जाएंगे, बैंक हिंट देना शुरू कर देगा, सजीदगी सोचना शुरू कर दिया। अब आकर अगर ये कहना कि हम रेट पैग रिमूव कर रहे हैं तो मार्केट में कभी भी ये मूव नहीं होगी, क्योंकि मार्केट को जो क्लू देते हुए आ रहे हैं उस क्लू से मार्केट इसके झटके को प्राइस इन करना शुरू कर देगी और इतनी बड़ी मूव नहीं होगी। तो फाइनेंस की दुनिया में ये एक कह सकते हैं अनरिटन कोड है कि कभी भी बड़ा झटका मार्केट को नहीं दो, क्योंकि बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है जब भी इतना बड़ा झटका दिया, मार्केट में कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है। उल्टा सीधा क्या हुआ है, उल्टा सीधा ये हुआ है इनकी, मतलब बहुत ही गैर जिम्मेदाराना अप्रोच थी, बहुत ही गैर पेशेवराना अप्रोच थी कि आके एकदम कह दिया कि खत्म। इसे हुआ क्या, दो ब्रोकर बैंक करप्ट हो गए, बड़े बड़े ट्रेडर उड़ गए, पता नहीं कितने बड़े ट्रेडिंग के हाउस उड़ गए होंगे, जिन्होंने एसएल लगाया होगा वो एसएल भी जंप हो गया होगा। वो एसएल यहाँ नहीं, बल्कि मैंने आपको स्लिपेज बताई थी ना पिछले वेबिनार में, वो यहाँ पे जाके फिल हुआ होगा। पिछले नहीं, मैंने आपको बताई थी स्लिपेज मार्केट लिक्विडिटी वाले वेबिनार में, तो एसएल हिट नहीं होगा, यहाँ पे जाके फिल होगा। तो ये काम उन्होंने किया था जिस वजह से ये मूव हुई। अगर इसको प्राइस इन करते ही हिंट देना शुरू करते और मार्केट प्राइस इन करना शुरू करती तो ये काम कभी भी नहीं होता। इसको कहते हैं रेट पैग, ठीक है। और आई वॉज लकी कि मैं उस वक्त बाय ट्रेड में नहीं था, वरना तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। अच्छा, ये तो गई पुरानी बात। अब फिर से हमें फीलिंग आ रही है, देखें अब ये इस लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा है 1.050। देखिए अभी एक वेबसाइट है फॉरेक्स लाइव, ठीक है, ये देखें अभी ये प्रोटेक्ट हो रहा है, यानी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के यहां से अब इन्होंने मेरे ख्याल से इसका स्प्रेड भी काफी बढ़ाया हुआ है, नहीं इतना ज्यादा भी नहीं है, कितना होगा
तकरीबन 2.5 पेपर है, बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं है ठीक है, लेकिन ये H4 नजर आ रहा है इतना, तकरीबन 2.5 पेपर है। मोमेंट ज्यादा नहीं है, मोमेंट इसलिए ज्यादा नहीं है कि मार्केट फील कर रही है ये गैर एलानिया रेट पैग है। हम मना कर रहे हैं कि नहीं हमें नहीं रेट पैग लगाया हुआ, मैं आपको दिखा भी देता हूं ये। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि फॉरेक्स लाइव पे ये बात हुई है पिछले दिनों, और इन्होंने इनसे पूछा गया है, इन्होंने ये भी बताया कि हम मार्केट को बहुत ज्यादा न्यूज यहां से देख लेते हैं। यहाँ पे इनसे पूछा गया क्या रेट पैक लगा हुआ है, इन्होंने इनकार किया है, लेकिन मार्केट का जो बिहेवियर है ना, ये मार्केट से फील कर रही है कि यहाँ पे इन्होंने रेट पैक लगा दिया है। उन्होंने कहा भी है कि हम मार्केट में बहुत ज्यादा स्विस फ्रैंक को हम कमजोर कर रहे हैं। तो ये मैं सिर्फ खबर बताने का आपको मकसद इतना है कि ये खबरें अगर आपको पता होती रहेंगी ना तो उससे फायदा ही होगा। 13 मई पिछली हेडलाइन पे जा ही नहीं रहा। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, बहरहाल खबर आपको बता देता हूँ खबर क्या थी। खबर ये थी, इन्होंने स्विस फ्रैंक ने, स्विस नेशनल बैंक ने आगे इन्होंने ये कहा है कि एक मिनट पहले वहां पे पहुंचा, स्विस नेशनल बैंक से थॉमस जॉर्डन, स्विस नेशनल बैंक का गवर्नर है, उससे बात हुई है। तो थॉमस जॉर्डन ने कहा है, 2-4 दिन पहले की न्यूज है, उन्हें कहा हम फॉरेक्स मार्केट में स्विस फ्रैंक को बहुत ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। यानी जो स्विस डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं उनको हम बाय कर रहे हैं, यानी स्विस फ्रैंक को हम कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जब स्विस डिनोमिनेटेड एसेट्स होंगे, फाइनेंशियल एसेट्स होंगे, जब ये बाय करेंगे उनको तो होगा क्या, वो क्वांटिटी ईजिंग होती है, यानी पैसा मार्केट के सिस्टम में इन किया जा रहा होता है। मतलब उनका कहने का मकसद ये है कि हम स्विस फ्रैंक को कमजोर कर रहे हैं। फिर एक अखबारी नुमाइंदे ने पूछा थॉमस जॉर्डन से, क्या हम ये फील कर सकते हैं कि हम ये लेंगे कि स्विस नेशनल बैंक ने 1.0500 को पैग लगाया हुआ है। कहते नहीं, पैग नहीं है, उसे इनकार कर दिया कि पैग नहीं लगाया हुआ हमने, लेकिन ये जरूर है कि हम मार्केट में बहुत एक्टिव हैं फॉरेक्स मार्केट में, और हम बहुत ही एग्रेसिवली स्विस फ्रैंक को कमजोर कर रहे हैं। तो अब अगर गौर से देखा जाए तो हमें एक फीलिंग आती है कि ये लेवल को वो बगैर गैर एलानिया प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें पता चल जाए कि कोई लेवल को सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट कर रहा है तो ट्रेड कैसे होती है, ये देखें, ये पिन बार है और ये देखें मूव देखें, और इसी तरह आगे चल के इस तरह की वो बार बार आती है, कोई ऐसे पिन बार कोई ऐसे हैमर शैमर आता है तो बहुत अच्छा चांस है, कोई डबल बॉटम बनता है या बनता है बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि अब आपके स्टॉप लॉस को सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब आपके स्टॉप लॉस को सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट करेगा, और मजीद इससे नीचे खैर होने को तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट्स हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटीज इस बात की होती हैं, और यूरो भी अभी ऐसी कोई अग्रेसिव क्वांटिटी ईजिंग नहीं कर रहा, लेकिन रेट पैक जब आपको पता चल जाए ना तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटीज हो जाती है कि यार ये लेवल सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अगर मैं यहां से बाय करूंगा और एसएल नीचे लगा दूंगा तो सेंट्रल बैंक होगा। हाँ ये है कि सेंट्रल बैंक आगे ऐसी तैसी करा ले तो अलग बात है, वाकई जिस उसने ये काम किया, हरकत की, ठीक है, तो और उस हरकत से मैं आपको बताऊं स्विस नेशनल बैंक को बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं इनकी एनुअल रिपोर्ट स्टडी कर रहा था, इनको इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि इनके भी अकाउंट्स की ऐसी तैसी हो गई है, क्योंकि इन्फ्लेशन एकदम गिर गई थी, बहुत लो हो गई थी इनकी इन्फ्लेशन, इतना ज्यादा स्विस फ्रैंक खरीद लिया गया था कि इनकी इन्फ्लेशन लो हो गई थी। इनके भी जो गवर्नमेंट के सारे जो फिजिबिलिटीज बनाते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स की, सारी धर्म की भरम हो गई ना, वो सब धर्म भरम हो गई। मतलब एक साल तो ये भी झटके से निकल नहीं पाए थे, जो इन्होंने मार्केट को झटका दिया, खुद भी इन्हें बहुत जबरदस्त झटका आया था।
तो शायद उन्होंने इससे सबक सीखा हो और पूरी दुनिया ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि आप लोगों ने बहुत गलत किया, तब पूरी मार्केट ऐसी तैसी, बैंक ब्रोकर बैंकक्रप्ट हो गए, पता नहीं किन किन के साथ क्या क्या हुआ, जो जो भी यूरो और स्विस फ्रैंक में डील कर रहा होगा उसमें तो बहुत कुछ उल्टा सीधा हुआ, कोई शायद सेकंडों में लगभग अरबपति बन गया हो, कोई सेकंडों में उसका सब खत्म हो गया, ब्रोकरेज ब्रोकरेज सब उड़ गए सब। तो ये था रेड पैग जिसकी वजह से मूव हुई थी। हमारे यहाँ बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था मूव क्यों हुई है, बहरहाल इसका एक्चुअल रीजन ये था। तो आप लोगों को ये आज के क्लास में बताने का मकसद इतना है कि आप लोगों को रेड पैग के बारे में पता चले कि रेड पैग क्या होता है। और मैं को रीसेंट एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मुझे फीलिंग है, मुझे फीलिंग क्या है कि वो न्यूज में सिंपली लोगों ने अखबारी नुमाइंदे ने पूछा है कि आप इसको रेड को पैक कर रहे हो, उन्होंने इनकार किया नहीं पैक नहीं कर रहे, लेकिन लग अगर प्राइस एक्शन को देखा जाए तो लग ऐसा रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर मार्केट इस तरह जाके यहाँ पे जिग-जैग करती है, ठीक है, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बनाती है और मार्केट यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी, क्योंकि अब आपको पता होगा कि आपका जो SL है उसको सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये देखें नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, तो अब भी अगर ये यहाँ पे इस तरह का प्राइस एक्शन देता है और थोड़ा सा हायर हाई हायर लो बनाता है तो अब भी हम एक्सपेक्ट इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना, तो दैट विल बी अ रियली गुड ट्रेड। मतलब आपको अगर आपको रेट पैक का पता चल जाए, और रेट पैक का वैसे आपको कैसे कैसे पता लग सकता है, एक तो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया रेट पैक है नहीं, मैं आपको पहले बता दूं ये पैक है नहीं, वो इनकार कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन फीलिंग तो यही है कि इस लेवल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। दूसरा तरीका ये कि एक वेबसाइट है, अब चैट काम नहीं कर रही है तो आप ये खुद ही नोटिस कर लें अगर आपके पास पेन और पैड है, राइटिंग पैड है, कि सेंट्रल बैंक न्यूज डॉट इन्फो, www.centralbanknews.info, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की न्यूज यहाँ पे होती हैं, ठीक है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की न्यूज यहाँ होती हैं। दुनिया के किसी भी सेंट्रल बैंक के बारे में आपको कोई भी मालूमात चाहिए ये यहाँ पर मौजूद होती हैं, ठीक है, ईजियर और टाइटर हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है, ये सब बता रहे हैं दुनिया भर के, ठीक है, बैंक के बारे में बता रहे हैं किसने क्या किया है किसने क्या नहीं किया। तो आपको अगर चाहिए सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स इसके बारे में डिटेल देखें उनके नाम क्या है, मतलब बहुत डिटेल है सेंट्रल बैंक की, किसी भी इन्फ्लेशन टारगेट्स मुख्तलिफ बैंकों के इन्फ्लेशन टारगेट क्या है अगर आपको मालूम करने, पाकिस्तान का भी होगा, दुनिया भर के बैंकों के इन्फ्लेशन टारगेट्स क्या है, मतलब सारी डिटेल है, इंटरेस्ट रेट क्या है। तो रेट पैग भी यहां पर आप देख सकते हैं कि रेट पैग जो है कौन कौन सी किसने लगाया हुआ है। हिस्टोरिकल रेट पैग बता देता हूं मैं आपको, रेट पैग किसने लगाए हुए, ठीक है, जो लगा हुआ है ये मैंने ट्रेड भी किया है हांगकांग डॉलर का यूएस के साथ, यूएस डॉलर के साथ है, ठीक है, ये आई थिंक एक्सएम भी ये पेयर ऑफर कर रहा है, यूएसडी एच के इस तरह के नाम का पेयर है, हांगकांग डॉलर टू यूएस डॉलर, बहुत थोड़ा सा स्प्रेड इनमें ज्यादा होता है, तो जब बिल्कुल पैग लेवल के करीब आए तब आप उस पर बाय सेल कर सकते हैं। तो एक तो ये लगा हुआ है जो कि 1983 से लगा हुआ है, यानी तकरीबन इस पैग को 37 साल हो चुके हैं और अभी तक ये लगाया हुआ किसने, हांगकांग के सेंट्रल बैंक ने लगाया हुआ होगा डॉलर के साथ, ताकि हमारे एक्सचेंज रेट को डॉलर के साथ मार्केट ज्यादा हिला जुला ना सके। अच्छा, दूसरा कहां लगा हुआ है, डेनमार्क का जो है करेंसी क्रोनर नाम है उसका, क्रोनर का यूरो के साथ लगा हुआ है 1982 से, तो 38 साल इसको हो गए तकरीबन रेट पैग को। और एक रीसेंट जो रेट पैग की तरह हमें चार्ट लग रहा है यूरो स्विस, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये है रेट पैग, किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज, ठीक है, अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन है जो आपके जहन में है कि यार ये पूछना चाहिए तो पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है, हम चलते हैं आगे। इसमें होगा
रेज हैंड पे अगर आप क्लिक करेंगे ना चैट की जगह पे, तो आपका हाथ बना हुआ आ जाएगा और मैं आपका माइक ऑन करूंगा और आप सवाल पूछ सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है तो, रेट पैक के मुतालिक। फिर हम आगे चलेंगे अगले सेक्शन पे, ठीक है? अच्छा, ये भी याद रखिए सवाल करना लाजमी नहीं है, अगर लाजमी आप अपनी पार्टिसिपेशन दिखाएं, अगर वाकई कोई सवाल है तो आप सवाल करें। जी उमेर सर, ये रेट पैक है ये हर करेंसी में नहीं होता? नहीं, हर करेंसी में नहीं होता, मैं तभी तो आपको बताया, तभी तो मैंने आपको एक्सट्रीम एग्जांपल दी है। हर करेंसी में क्यों होगा, मैंने तो ये नहीं बताया ना, हर करेंसी में नहीं होता ये। कोई कोई मुल्क लगाता है जिसको अपने एक्सपोर्ट्स या उनके साथ प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। अब आपको आपको पता है रेट पैक पाकिस्तान ने भी लगाया हुआ था, कैसे? जब नून लीग, आप अपनी साउंड ऑफ करें अपनी तरफ की ताकि डिस्टर्ब ना हो। देखिए पाकिस्तान ने भी रेट पैक लगाया हुआ था, कैसे लगाया हुआ था आप लोगों को याद होगा, नून लीग की गवर्नमेंट में जो था वजीर खजाना था इसहाक डार, वो क्या कर रहा था, $5 अरब लेके कर्जा लेता था और वो सेंट्रल बैंक में डाल देता था और रुपए को गिरने नहीं दे रहा था। जो कि बाद में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एक गैर एलानिया रेट पैक खत्म किया कि नहीं हम रुपए को जबरदस्ती नहीं रोकेंगे और मार्केट की सप्लाई और डिमांड की सिचुएशन जो है वो रेट पैक को डिसाइड करेगी, कि वो डिसाइड करेगी कि यूएसडीपी का रेट क्या होगा। और आप देखा जैसे ही उन्होंने ऐलान किया पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने, जैसे ही ऐलान किया देखो रुपया कैसा भागा, रुपया ऊपर भागा और सब लोगों ने जो जरूरत है, जिनको नहीं पता इकोनॉमिक्स का, वो गालियां दी उन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट को। लेकिन दरहकीकत उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया कि एक जो आर्टिफिशियली रुपए को रोका हुआ था और उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ रही थी, हम हर साल $5 अरब हर साल हमें कॉस्ट पड़ रही थी रुपए को जबरदस्ती रोकने के लिए। तो रादर देन मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने बजाय ये करते कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो देते, उसकी इंपोर्ट कम करते, करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म करते, बजट के खसारे कम करते, उन्होंने खसारे शसारों पे तो नहीं किया, उन्होंने बस उल्टा क्या किया, उल्टा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने मजीद कर्जा लेके और रुपए को पैक किया, रेट पैक किया रुपए का। अब जब रेट पैक किया तो क्या हुआ, इसहाक डार ने ऐलान किया था ना कि मैं को ऊपर नहीं जाने दूंगा, देखो मैं रुपए को कैसे नीचे लेके आता हूं, और सब वाह 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 करने लग गए। लेकिन सब बेचारी अवाम को ये नहीं पता कि उन्होंने किस तरीके से के साथ इस रेट को रोका है इन्होंने, और उसके नुकसान आज हम भुगत रहे हैं कि रुपया इतना डिवेल्यू। अगर रुपए को मार्केट को डिसाइड करने देते कि सप्लाई डिमांड की सिचुएशन को, कि रुपया डिसाइड करे रुपए की प्राइस कहां पे होती है, तो हमारे लिए मच बेटर होता। कम से कम हमें असल तस्वीर तो नजर आ रही होती ना कि हमारी इकोनॉमी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तभी हमारा रुपया गिर रहा है, हमारे खसारे बढ़ रहे हैं। बट उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए, यही मतलब पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स है कि इकोनॉमिक्स के साथ इतना बड़ी मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की, $5 अरब हर साल देते रहे और वो स्टेट बैंक के जो स्टेट बैंक का फॉरेन करेंसी डेस्क है वहां पर रखते रहे, जिसको ताकि डॉलर की जो है वो डॉलर की डिमांड में कमी वाकई रहे, डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी कर्जा ले लेके। जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो जरूरत है रुपया वीक नहीं होगा उसके अगेंस्ट, और तो नुकसान ये हुआ इतने कर्जे चढ़ गए। और जब इस फर मौजूदा गवर्नमेंट ने आकर ऐलान किया, असद उमर ने ऐलान किया था कि हम जो है रुपए की कीमत को मसनूई तौर पर नहीं रोकेंगे, तो दरहकीकत उसने ये कहा था मार्केट को कि हम रेट पैग नहीं लगा रहे, या रेट पैग हम गैर ऐलानिया जो रेट पैग है वो खत्म कर रहे हैं। और उन्होंने वाकई खत्म भी किया, उन्होंने मजीद क्या किया, मजीद डॉलर की सप्लाई नहीं बढ़ाई ताकि डॉलर को की सप्लाई नहीं बढ़ाई, मजीद कर्जे नहीं लिए, और नतीजा क्या हुआ, रुपया 10-10-20 रुपए जंपे मारता हुआ ऊपर आ गया। लेकिन कम से कम अब ये तो है कि इस वक्त जो यूएसडीपी की जिस रेट पर खड़ा हुआ है, ये असल रुपए की असल ताकत है कि इतनी ताकत है इस वक्त रुपया रखता है। तो यानी अब चाहिए ये कि खसारों पे काम करे, जो काफी हद तक काम भी हुआ है, मैं इन चीजों को मॉनिटर भी कर रहा होता हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत कम हो गया है, कोरोना की वजह से जरूर बहुत प्रॉब्लम हुई है लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है। अब अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल खत्म हो जाता है, जैसे कोरोना के बाद पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर हो जाती है और करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो आप देखेंगे रुपया
आस्ता आस्ता नीचे जाता चला जाएगा। मतलब हम 100 रुपए का भी लेवल गेन कर सकते हैं अगर हुकूमत ये सख्त फैसले ले और जो है वो मतलब आर्टिफिशियली इन रेट्स को पैग ना करे। ठीक है उमेर? ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू आपको। अब अच्छा आमिर खान जी, आमिर खान जरा जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, अब आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। जी मैं सर कह रहा था, आपने पीछे दिखाया कि जब पैक खत्म किया तो नीचे एसएल हिट किया, एसएल ने इतने नीचे जाके क्यों हिट किया? मतलब एसएल को, जी मैं वही बताने लगा हूँ, एसएल जो है ना, देखिए आमिर होता क्या है कि जब आप बाय ट्रेड करते हो तो एसएल आपका एक पेंडिंग सेल ऑर्डर होता है, ठीक है, अगर आपने बाय किया, राइट? ठीक है, ठीक है, तो आपका टीपी भी और आपका एसएल भी, दोनों कौन से ऑर्डर होंगे, बाय ऑर्डर होंगे सेल ऑर्डर होंगे? बाय ऑर्डर ही होगा। नहीं भाई, एक चीज, आप कभी ऐसे पैसे कमा सकते हो कि आप मार्केट गए, आपने कोई चीज बाय की और दोबारा बाय करके पैसे कमा लिए? आप बाय करते हो तो सेल करके पैसे कमाते हो, ऐसे ही ना। गाड़ी खरीदोगे तो गाड़ी पे पैसा कैसे कमाओगे, गाड़ी बेच के कमाओगे ना, सही है ना? तो जो बाय ट्रेड आप लेते हो ना, उसका टीपी क्या होता है, ये पेंडिंग सेल ऑर्डर होता है, ठीक? एसएल भी पेंडिंग सेल ऑर्डर होता है, दोनों पेंडिंग सेल ऑर्डर होता है, क्योंकि बाय की ट्रेड जो एग्जिट होती है वो सेल ऑर्डर के साथ एग्जिट होती है, ठीक? अब जब इस सेल ऑर्डर को हिट होने के लिए दूसरी तरफ एक पेंडिंग बाय ऑर्डर चाहिए होता है, ऐसे ही सही है ना? ये अगर ये ट्रेड हिट होगी तो इसे सेल ऑर्डर को फिल होने के लिए बाय ऑर्डर चाहिए होता है। मान लो यहाँ पे कोई बाय ऑर्डर नहीं है, बाय ऑर्डर नहीं है तो सिस्टम ऊपर ऊपर तलाश करेगा बाय ऑर्डर, यहाँ भी बाय ऑर्डर नहीं है, सिस्टम और ऊपर तलाश करेगा, यहाँ भी नहीं है, सिस्टम तलाश करता रहेगा, जहां से बाय ऑर्डर मिलेगा वहां आपका टीपी हिट होगा। यही काम आपके एसएल के साथ भी होगा, यही काम एसएल के साथ। मैं समझ गया कि उधर सेल ऑर्डर थे ही नहीं, कोई नीचे नहीं, बाय ऑर्डर नहीं थे। देखो मैं समझाता हूँ, पेंडिंग सेल ऑर्डर है, एसएल हिट होने के लिए लाजमी है कि यहाँ पर पेंडिंग बाय ऑर्डर हो। अगर पेंडिंग बाय ऑर्डर नहीं होगा, सिस्टम नीचे ढूंढेगा पेंडिंग बाय ऑर्डर, वहां भी नहीं है, सिस्टम और नीचे ढूंढेगा, वहां भी नहीं है, और ढूंढेगा, वो ढूंढता रहेगा, चाहे 1,000 पे 2,000 पे 10,000 पे दूर जाके उसे पेंडिंग बाय ऑर्डर मिले, वो वहां पे आपका एसएल हिट करेगा। अच्छा, लेकिन सर इसके अंदर अगर एसएल लगा हुआ है तो ऑर्डर्स तो होंगे, मतलब उस टाइम के ऊपर, ये तो न्यूज के बाद एकदम काम हुआ होगा कि वो बिल्कुल गायब हो गए होंगे ऑर्डर, ये कह सकते हैं, लेकिन ले कह सकते हैं, लेकिन जब प्राइस यहाँ पर पहुंची तो दूसरी तरफ इसको फिल करने के लिए पेंडिंग बाय ऑर्डर मौजूद नहीं था, दूसरी तरफ पेंडिंग बाय ऑर्डर मौजूद नहीं था, और मेरा ये मानना है अभी नहीं, पहले से ही नहीं था। मुझे सोचो जरा, खुद बताओ, रेट पैक लगा हुआ है, प्राइस बार बार इधर आ रही है, कौन इधर बाय ऑर्डर यहाँ लगा के बैठेगा? वो बेवकूफी हुआ ना, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो उसे पता है मेरा बाय तो कुछ हो ही नहीं सकता, बाय तो यहाँ लगा के बैठेगा, मतलब नीचे बाय क्यों लगाएगा कोई भी? सही, इलॉजिकल है ना, नीचे कोई बाय लगाए तो वो बाय जो ऊपर ही लगाए, तो बाय ऑर्डर था ही नहीं वहां पे, तो एसएल जंप हो गए, और एसएल कितना दूर जाके हिट हुए होंगे जरा सोचो, 2300-2400 pip के दूर की जाके एसएल हिट हुए लोगों के, उड़ गए, मतलब नेगेटिव बैलेंस नेगेटिव में चले गए, सब कुछ हुआ, ये रेट पैक है, ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलें अब हम चलते हैं अगले सेक्शन पे, ठीक है, काफी बात हो गई। तो रेट पैक मैंने आपको बता दिया, एक रीसेंट एग्जांपल मैंने आपको दिखा दी, यूरो स्विस आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अभी अंधाधुंध ट्रेड नहीं करना, मतलब ये जो सपोर्ट 1.05 पे लगाई गई है यहाँ पे आ गई, ये रेंज करे, और रेंज करने के बाद ये पे उठने की कोशिश करेगा, तो जो टेक्निकल एनालिसिस आपको प्रॉपरली मैंने सिखाए हुए बताए हुए कि हाई ब्रेक हो तो ही आप उसमें ट्रेड करेंगे, अंधाधुंध नहीं जाना, ठीक है, अंधाधुंध नहीं जाना है, अपने टेक्निकल एनालिसिस का वेट करना है, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का, जब सिग्नल दे तब आपने जाना है। अच्छा, अब आते हैं न्यूज को कैसे ट्रेड, एक तो रेट पैक भी, ये भी एक फाइनेंशियल टर्म ही है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अब
न्यूज कैसे ट्रेड होती है? न्यूज तीन तरीके से ट्रेड होती है, तीन एरियाज है ये कह लें। नंबर वन, मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस। ये ट्रेडिंग करने के लिए आपको हर सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी होगी। मैंने आप लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी में पिछले वेबिनार में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सेंट्रल बैंक, एक तो फिस्कल पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट बनाती है जिसके तहत बजट बनता है, दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यानी इसमें वो क्या कर रहे होते हैं। मैं एक दफा फिर रिकॉल कर देता हूं तो आपके आप लोगों को ध्यान में रहे कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपने जो भी वो टूल्स इस्तेमाल करने जा, एक तो अपनी इकोनॉमी के बता रहे होता है कि हमारी इकोनॉमी के हर सेक्टर इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा अगर उन्हें किसी कोई, अगर इकोनॉमी सही चल रही है उनके हिसाब से तो वो छेड़छाड़ नहीं करते, वो एज इट इज चलने देते हैं। अगर उन्हें लगे कि कहीं भी कोई चीज, कोई सेक्टर ऐसा है जो ऊपर नीचे हो रहा है और उसको एडजस्टमेंट की जरूरत है और वो टूल्स इस्तेमाल करें, जैसे टूल मैंने तीन टूल बताए थे, कौन कौन से, इंटरेस्ट रेट का बताया था कट या हाइक करना, कट करना या बढ़ाना, दूसरा बॉन्ड्स को खरीदना यानी एसेट परचेजिंग या एसेट सेलिंग, और तीसरा जो बैंक रिजर्व होते हैं उनका वॉल्ट होता है उसमें कमी जाती करना, तीन काम करके वो बैंक क्या कर रहा होता है, बैंक गर्दिशी नोटों की तादाद में कमी या जाती करता है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, इससे आपको पता चलता है कि सेंट्रल बैंक इस वक्त क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। वो अपनी सोच भी बता रहे होते हैं। सोच क्यों बता रहे होते हैं? ताकि मार्केट को पहले से हिंट दे दें, मार्केट को झटका ना लगे, कोई भी एक्शन करने जाए ना तो मार्केट झटका ना लगे। तो उनके हिंट्स भी इसमें मौजूद होते हैं, करंट सिचुएशन मौजूद होती है, उनके हिंट्स मौजूद होते हैं। अगर तो वो कोई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बता रहे होते हैं कि हम टूल भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर आपको ये अंदाजा होता है कि सेंट्रल बैंक इस वक्त क्या चाह रहा है, कि मैं अपनी करेंसी के साथ क्या करूं, कमजोर करना चाह रहा है, ताकतवर करना चाह रहा है, कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहा है, उसकी मैं आपको पिछले वेबिनार में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सेंट्रल बैंक जो भी मतलब चाह रहा होता है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बताता है और उसका इंपैक्ट हम चार्ट पर देखते हैं। सो ये ट्रेडिंग करने के लिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपकी थोड़ी सी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, और मैंने कहा कि बेसिक इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का बेसिक नॉलेज जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही वसी सब्जेक्ट है, यकीनन इकोनॉमिक्स में मैं भी इकोनॉमिक्स का एक तालिब इल्म हूँ, मेरा भी एक हद तक एक लेवल है जो मैं चीज़ों को देखता हूँ समझता हूँ, और उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ये सब्जेक्ट है। तो आप लोगों को भी, मतलब हम भी एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग में होते हैं, आप लोगों को भी अगर इन चीज़ों में ट्रेड करनी है तो आप लोगों को भी इनको सीख, मतलब सीखना पड़ेगा। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्योरली टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर बन के रहना चाहते हैं, बिल्कुल बन के रहें, लेकिन अगर फंडामेंटल में इंटरेस्ट है तो मेरा मशवरा है कि इंटरेस्ट लो और अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। और तरीका मैं आपको, मैं समझाता हूँ कि आप लोग कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो आपको मिलेगा ना, वो दो तीन जगहों से मिल सकता। नंबर वन, फॉरेक्स फैक्ट्री में, ये देखें मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट न्यूजीलैंड की आई हुई है, ये 13 तारीख की आई है। आप इसे कैसे हासिल कर सकते हो, ये येलो बॉक्स है, क्लिक करोगे, ठीक है? उसके बाद देखो रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड और लेटेस्ट रिपोर्ट, इस पे क्लिक करोगे ना ये आरबीएनजेड की वेबसाइट पे चला जाएगा, जहां जाके मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाओ का डॉक्यूमेंट पढ़ा हुआ है, डाउनलोड करें और पढ़ो। ये रहा मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखें ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी एमपीए, मॉनेटरी पॉलिसी एमपीएस कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट क्वार्टरली, ये बता भी रहे हम कब का क्वार्टरली देते हैं, अभी पूरी डिटेल बता रहा है इसकी, ठीक है, कैसे प्रीपेयर्ड होती है, और ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे होगा। अगर हम देखें तो ये 2020 की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स ये हैं, लेटेस्ट भी दी हुई होगी इन्होंने, ये रही मई 2020 की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। चलो हम खोल भी लेते हैं ताकि आप लोगों को नजर भी आ जाए कैसी होती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 57 पेज की है, नॉर्मली इतनी बड़ी होती नहीं है ऑस्ट्रेलियन जो
आरबीए की ना दो पेज की होती है, तीन पेज की, अब हर किसी का अपना अपना है, इन्होंने बहुत बड़ी दी हुई है। तो अब यकीनन 57 पेज अगर आपको शौक है पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें पढ़ लें कि कौन कौन से एरिया हैं, न्यूजीलैंड की इकोनॉमी पे कोरोना ने क्या असरात डाले हैं, सारा मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमी क्या है, अगर आपको शौक है तो आप पढ़ें, जरूर पढ़ें। लेकिन अगर ट्रेडिंग की हद तक अगर इसे देखना चाह रहे हैं आप, तो फिर क्या तरीका है, तो फिर एक दूसरा तरीका है, आप जाओ फॉरेक्स लाइफ के ऊपर, ठीक। यहां पे इस मॉनेटरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की एक समरी आ जाती है, जैसी न्यूज आती है ना, फॉर एग्जांपल बुध को न्यूज आई है तकरीबन सुबह 7 बजे, इनके एक्सपर्ट क्या करेंगे, वो यहां पे रखेंगे और उसकी समरी दे देंगे आप, तो बुलेटेड पॉइंट्स में आप पढ़ सकते हो, आपको 57 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन मेन पॉइंट है यहाँ पे लिखे हुए आ जाते हैं वो आप पढ़ लो, तो उससे आपको पता लग जाता है, हम देख भी लेते हैं अगर इसकी लिस्ट में आ रहा है, क्योंकि इनकी इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट अपडेट्स होती हैं कि पिछली अपडेट पे नहीं जा रहा होता, बाजा चला भी जाता है लेकिन आई डोंट नो आज क्यों नहीं जा रहा ये। देखो आरबीआई गवर्नर और सेज ही डज नॉट रूल आउट डायरेक्ट परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी अब देखो हिंट दिया इसने एक ना, यानी एकदम झटका नहीं दिया, अब जरा अल्फाज पे गौर करो, यही फाइनेंस वर्ल्ड की खूबसूरती है कि बड़े प्यारे अल्फाज में मार्केट को इशारे देना शुरू कर देते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। वो क्या कह रहे कि मैं इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकता, उर्दू में बता रहा हूं, कि हम क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू करें, यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू करने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरबीएनजेड आगे चल के क्यूई शुरू करे, गवर्नमेंट बॉन्ड की परचेजिंग शुरू करे। तो ये गवर्नमेंट को एक छोटा सा हिंट दिया है मार्केट को, ठीक है। और इस तरह के इस हिंट हम अगर समझें तो इंटरेस्ट रेट लो फॉर फॉरसीबल फ्यूचर, यानी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना नहीं चाहते, ये बहुत मतलब अनदेखे मुस्तकबिल के लिए ये रेट्स को लो देख रहे हैं, अनदेखे मुस्तकबिल के लिए, मतलब अनदेखे टाइम कह लो, यानी ये टाइम रेट देख नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बहुत लो रहेंगे। और मैं ये बताता चलूं कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें सबसे जो लो सबसे जो हाई इंटरेस्ट होता है वो न्यूजीलैंड डॉलर का होता है, इसलिए न्यूजीलैंड डॉलर को अक्सर बड़ा जो समझदार न्यूजीलैंड डॉलर को इसलिए खरीदता है कि न्यूजीलैंड डॉलर खरीद के आप डाल भी दो ना बैंकों में तो उसका इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। पाकिस्तान का तो खैर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें देखें, अगर आप देखें न्यूजीलैंड का अभी, ये देखें अभी हुआ है न्यूजीलैंड का, वरना पता है न्यूजीलैंड को मैंने 3.75 भी देखा है, 3.75 भी देखा है। पाकिस्तान तो खैर अब 9% पे, 13.5 से हम 9% पे आए, लेकिन 3.75% भी, तो इसलिए न्यूजीलैंड को हमेशा से इन 8 मुल्कों में न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट हमेशा सबसे ज्यादा रहता है। तो ये एक तरह से बता भी रहे हैं ना कि मार्केट को या बड़े प्लेयर को कि ये मत सोचना कि हम इंटरेस्ट रेट इतना जल्दी बढ़ा देंगे, यानी अपनी इन्फ्लेशन बढ़ाने के चक्कर में है, ताकि कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनसे इकोनॉमी कॉप अप कर सके। तो ये इतनी सारी डिटेल है ना, इसमें आप मॉनेटरी पॉलिसी अब पीछे जा नहीं रहा, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट रिलीज होता है ना, तो आप इसे फॉरेक्स लाइफ में पढ़ सकते हो, समरी पढ़ लो, हार्डली 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, अगर ये कोई फाइनेंशियल जार्गन्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरा तरीका क्या है। फिर आप जाओगे यहाँ पे और इन्वेस्टोपीडिया पे लिखोगे investopedia.com, ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे और ये वेबसाइट है इन्वेस्टोपीडिया, इसमें आप जाओगे और जाके आप या सर्च में लिखोगे, कुछ भी सर्च करोगे, और ये आप लोगों को बताएगा, ये आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया का नॉलेज देती है। आपको कोई चीज नहीं पता बेसिक इकोनॉमिक फाइनेंस की, आप यहाँ पे लिखो इन्वेस्टोपीडिया, एक बहुत ही अच्छी एजुकेशनल वेबसाइट है, और आपको वो जार्गन्स पता चलना शुरू हो जाएंगे जो जार्गन्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा है इसका क्या मतलब है। मैंने यही तरीका अपनाया जब मैंने फंडामेंटल सीखे, तो मैंने यही तरीका अपनाया कि मैं पूरा डॉक्यूमेंट, मैं भी ईमानदारी की बात है पूरा डॉक्यूमेंट मैंने भी नहीं पढ़ता हूँ,
मैं फॉरेक्स लाइफ पर जाके उसकी समरी पढ़ लेता हूँ, कोई फाइनेंशियल जार्गन नहीं समझ में आ रहा था जाके इन्वेस्टोपीडिया पे सर्च कर लेता हूँ, वहां नहीं समझ आ रहा था जाके गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेता हूँ, पता चल जाता है कि वो उस जार्गन क्या मतलब है। तो हम मतलब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग इस तरह डेवलप कर सकते हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ भी ली और समझ भी ली समरी। अब मुझे पता लग गया कि एक सेंट्रल बैंक, मैंने आठ की कम से कम अगर फंडामेंटल ट्रेड करो ना, आठ सेंट्रल बैंक की आपको मॉनेटरी पॉलिसी का पता होना चाहिए कि किसकी मॉनेटरी पॉलिसी हॉकिश है। हॉकिश का क्या मतलब होता है? हॉक कहते हैं जवान बाज को, उकाब होता है ना, उसको हॉक कहते हैं इंग्लिश में, हॉक। तो हॉकिश का मतलब होता है बुलिश। कहीं भी अगर आप हॉकिश लिखा देखो तो इसका मतलब समझ लें बुलिश, ठीक है, बुलिश। और अच्छा कहीं भी डोविश लिखा हो, डोव फाख्ता को कहते हैं, अमन का परिंदा होता है, तो अभी कहीं भी डोविश लिखा हुआ नजर आए ना तो समझ लें बीरिश की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि आठ सेंट्रल बैंक्स में किसकी मॉनेटरी पॉलिसी हॉकिश है और किसकी मॉनेटरी पॉलिसी डोविश है। आपने करना क्या होगा, वो सेंट्रल बैंक जिसकी मॉनेटरी पॉलिसी सबसे हॉकिश होगी उसकी करेंसी को उठाना है, जो सेंट्रल बैंक जिसकी मॉनेटरी पॉलिसी सबसे ज्यादा डोविश होगी उसकी करेंसी को उठाना है, दोनों का पेयर बनाना है और ट्रेड करना है उसमें। मतलब ट्रेड कैसे करना है, अंधाधुंध नहीं, टेक्निकल एनालिसिस के सिग्नल का वेट करना है। वो ट्रेड आपकी बहुत लंबी चलेगी, मतलब ट्रेड कई हफ्तों चल सकती है, घंटों नहीं, दिनों नहीं, कई हफ्तों, मतलब महीने से ऊपर वो ट्रेड आपकी चल सकती है, और आप एक रिस्क लोगे और ये लंबे प्रॉफिट। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और आपको मॉनेटरी पॉलिसी के आप ये भी कर सकते हैं, अपने पास रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हैं, फॉरेक्स लाइफ पे जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आए उसका उसकी समरी अपने पास महफूज कर लो। अब आठ सेंट्रल बैंक की समरी महफूज हो जाएगी, अब आप पहचानो कौन हॉकिश है कौन डोविश है और उसको चार्ट में ट्रेड करो। फायदा ये होगा कि एक बहुत ही छोटा रिस्क और एक बहुत लंबा प्रॉफिट, जब तक वो अपनी पॉलिसी में चेंज नहीं लाते। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, यूरो। अभी कुछ दिन पहले इनमें मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस आई थी, और ये वो वक्त था प्रोबेबली, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं ये तो फरवरी है, कोरोना की शायद उस वक्त नहीं आई थी, लेकिन ये वक्त है शायद, इन दोनों में से मुझे एक ज़हन में नहीं आ रहा है, लेकिन ये टाइम है या ये टाइम है मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस आई थी, इसमें पॉसिबली ये होगा, शायद ये होगा ये है, लेकिन इन दोनों में राइजों में, इन दोनों राइज में ये तो शायद वो था, ये है, ठीक है। अगर इस पॉइंट को आप देखो ना, मैंने ये मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस पिक कर ली थी मैंने, ये हुआ क्या था, यहां पे पहुंच के फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया था, तो डॉलर कमजोर हुआ था, और यहां पे पहुंच के अगर आप जाके देखो तो ईसीबी ने क्या किया था, क्यूई टेपरिंग की थी। टेपरिंग से क्या होता है, करेंसी ताकत पकड़ती है। इन्होंने जिस वक्त टेपरिंग का ऐलान किया ना, फेडरल बैंक ने उसी वक्त रेट कट का ऐलान किया था, इसी वक्त, और ये कई दिनों तक ऊपर जाती रही, ठीक है, बाद में डबल टॉपिक बनाया। तो मतलब यहां पर जब ये चीज, ये क्यूई टेपरिंग कर रहे हैं और वो रेट कट कर रहे हैं, तो प्राइस, ये मैं बता, अभी मुझे कंफर्म इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, शायद ये था इन दोनों में से कोई एक था, ये पॉइंट था या वो पॉइंट था। तो ये एक मैंने रीसेंट एग्जांपल्स आपको दिखाई बताई है कि दोनों की मॉनेटरी पॉलिसी में डाइवर्जेंस थी, यानी एक बहुत हॉकिश थी एक बुलिश, एक हॉकिश थी एक डोविश थी, और इससे आप बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हो। बट ये चीजें मेहनत मांगती हैं, मेहनत और शौक मांगती हैं। आपको मेहनत है, मेहनत करने का आदी हो
शौक है तो आप इतनी मेहनत भी नहीं है वैसे कि मतलब जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है फॉरेक्स लाइफ पे गए और उसके बुलेटेड पॉइंट्स को सेव कर लिया समरी को, थोड़ा घंटा लगा लिया, समझ लिया कि हॉकिश है या डोविश है और आपके पास रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाएगा। जब भी अगर डाइवर्जेंस आए किसी हॉकिश या डोविश को उठाओ, और ये जो लंबे लंबे ट्रेंड होते हैं इसी वजह से होते हैं, ये बात याद रखना। वैसे तो फॉरेक्स मार्केट 70-80% रेंज करती है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में जब भी आप ये लंबे लंबे ट्रेंड देखते हो ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस होती है दोनों बैंकों के दरमियान, और अगर ये आप पिक करो तो वो टर्निंग पॉइंट से उसको पकड़ सकते हो और बहुत लंबे प्रॉफिट्स बना सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है फंडामेंटल को ऐसे ट्रेड किया जाता है कि सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होता है उसकी स्पीच को भी ट्रेड किया जाता है। ये स्पीच मैंने लाइव भी ट्रेड करके दिखाई है अपने स्टूडेंट्स को, इनकी स्पीचेस मैंने लाइव भी ट्रेड की। स्पीच कैसे ट्रेड की जाती है अब तो गौर से सुनिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक या उसके गवर्नर, सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी हो, कोई इंडिकेटर हो या सेंट्रल बैंक की स्पीच हो, मार्केट की एक एक्सपेक्टेशन होती है, तवक्कात होती है मार्केट की कि ये बुलिश होंगे, ये हॉकिश होंगे, डोविश होंगे या न्यूट्रल होंगे। मार्केट एक तवक्कात लगा के रखती है। मार्केट की तवक्कात कैसे पता लगती है? जैसे एक वेबसाइट है ब्लूमबर्ग, ठीक है, ब्लूमबर्ग है, इस तरह जो भी और वेबसाइट हैं, रिव्यूटर्स हैं, उस पर जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना उनके तजिए आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वो बताते हैं आपको कि हम क्या सोच रहे हैं, उनके तजिए आना शुरू हो जाते हैं, उसको हम मार्केट एक्सपेक्टेशन लेते हैं। कोई भी सेंट्रल बैंक का गवर्नर बात करने वाला है या कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है तो अमूमन आप ट्रेडिंग व्यू कह रहा, ये फॉरेक्स लाइव बड़ा जबरदस्त सोर्स है, फ्री सोर्स है। अगर इस पे जाएं ना आप या ब्लूमबर्ग पे चले जाएं, या मैं और भी आप लोगों को बताऊंगा इसके सोर्सेस, उन पे चले जाएं तो आप लोगों को फील आती है एक कि जब आप इकोनॉमिस्ट कोई बता रहा होगा, कोई छोटा सा वीडियो क्लिप होगा कि मार्केट क्या तवक्का कर रही है। इसका एक और तरीका भी है, वो अभी मैं बताता हूं कि मार्केट एक्सपेक्टेशन जांचने के क्या तरीके हैं। तो तरीका ये कि इकोनॉमिस्ट को सुने जाके। दूसरा तरीका ये कि मार्केट अपनी एक्सपेक्टेशन को प्राइस इन करना शुरू करती है। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। ये मैंने तीन कंडीशन लिखी हैं इसकी, इन तीन कंडीशन में हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब मेरे साथ रहिएगा और जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मिसाल के तौर पे एक सेंट्रल बैंक का गवर्नर बात करने वाला है, कल उसकी स्पीच है दोपहर में या रात में स्पीच है। एक तो ये तरीका है कि ब्लूमबर्ग पे इकोनॉमिस्ट बताना शुरू कर देंगे। दूसरा तरीका है कि स्पीच, मान लो अभी आधे घंटे बाद स्पीच है, वो स्पीच देने वाला है, जैसे अभी फेडरल बैंक इसकी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की क्रिस्टीन लगार्ड है, जो पहले आई थिंक आईएमएफ में हुआ करती थी। मान लो क्रिस्टीन लगार्ड बात करने वाली है आधे घंटे बाद, ठीक, तो यूरो यूएसडी जो है, हमें ये देखना है कि आधे घंटे बाद ये क्रिस्टीन लगार्ड बात करने वाली है तो यूरो यूएसडी क्या कर रहा है। अगर क्रिस्टीन लगार्ड बात करने वाली है और यूरो यूएसडी आधा घंटा पहले ऊपर जाना शुरू हो गया ना, तो हमें पता लगेगा मार्केट जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि क्रिस्टीन लगार्ड कोई बुलिश कमेंट देगी, हॉकिश कमेंट्स देगी। एक मार्केट एक्सपेक्टेशन पहचानने का दूसरा तरीका ये है। पहला तरीका तो इकोनॉमिस्ट
कि तबसरे देखें, उनकी वीडियोस देखें कि वो क्या बता रहे हैं, कि क्या सेंट्रल बैंक का गवर्नर क्या कह सकता है। दूसरा, ठीक उससे आधा घंटा पहले चार्ट को देखें। चार्ट को आपने M5 में देखना है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, M5 में देखना है कि आधा या एक घंटा पहले ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। समझ लेना कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि इसके बुलिश कमेंट होंगे। अगर चार्ट यहीं पे रहता है तो समझ लेना मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि न्यूट्रल कमेंट होंगे, वो बस अपनी इकोनॉमी पे इत्मीनान का इजहार करेगी और कहेगी कि हम जैसे चीज चल रहे हैं ऐसा चलते रहेंगे। तो मार्केट न्यूट्रल एक्सपेक्ट कर रही है। अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाए तो समझ लेना मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये गवर्नर आके और कोई बेरिश कमेंट देगी कि हम रेट कट कर रहे हैं या क्वांटिटी ईजिंग शुरू कर रहे हैं, इस तरह की कमेंट्स देने वाली है। तो सेंट्रल बैंक के गवर्नर की स्पीच को ट्रेड करने के लिए हमें मार्केट एक्सपेक्टेशन का पता होना चाहिए कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है। और मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तो ब्लूमबर्ग पे जाके या रॉयटर्स वगैरह पे जाके, इकोनॉमिस्ट हैं उनके छोटे छोटे क्लिप होते हैं वो पढ़ें, उनके आर्टिकल पढ़ लें, पता लग जाएगा कि मार्केट क्या तवक्का कर रही है। अगर नहीं, इतना हेडेक नहीं होता तो बड़ा सिंपली चार्ट में जाओ, M5 का चार्ट खोलो, आधा एक घंटे पहले स्पीच से खोल के बैठ जाओ, मार्केट की मूवमेंट बता देगी आपको कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है। मार्केट अच्छा होता क्या है, समटाइम मार्केट मूव कब करती है, जब मार्केट कुछ और तवक्का कर रही हो और गवर्नर साहब आके कुछ और कहते हैं, यानी मार्केट सरप्राइजेस पे मूव करती है। याद रखिएगा, मार्केट सरप्राइजेस पे मूव करती है, मार्केट को सरप्राइज मिलेगा, ये अलग हुई और ये अलग हुई, तभी मार्केट में बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी की जनरेट होती है। अगर दोनों की सेम रहेगी तो कुछ भी नहीं होना। मिसाल के तौर पे ये मैंने आखिरी का पॉइंट लिखा हुआ है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि सेंट्रल बैंक का गवर्नर न्यूट्रल रहेगा, और सेंट्रल बैंक का गवर्नर आके भी कहता है न्यूट्रल ही रहता है, कुछ भी नहीं होना, कोई इस रात नहीं होने, मार्केट बुलिश एक्सपेक्ट कर रही है कि गवर्नर भी आके हॉकेश या बुलिश कमेंट्स देता है तो भी होगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी और करके और फिर ऐसे ऊपर जाती रहेगी, मतलब हो सकता है रेंज भी करना शुरू कर दे, कोई खास मूव नहीं मिलेगी आपको, हो सकता है यहाँ पे रेंज भी करना शुरू कर दे। मार्केट एक्सपेक्टेशन बेरिश है या डोविश है और ये साहब भी डोविश हो जाते हैं तो अगेन क्या होगा, एज एक्सपेक्टेड हो गया तो ये तो डाउन ट्रेंड चलता रहेगा या ये रेंज करेगा, उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड शुरू कर देगा, कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं आती अगर दोनों सेम रहे। प्रॉब्लम मतलब अपॉर्चुनिटी कब आती है, जब ये बुलिश हो, मतलब आधा एक घंटा पहले M5 में प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई और स्पीच शुरू हो गई, अब स्पीच चल रही है, स्पीच के दौरान भी ऊपर जाती रहेगी, जैसी स्पीच खत्म होने वाली होगी ना, अमूमन एक घंटे की स्पीच होती है, तकरीबन 40 से 45 मिनट वो स्पीच देता है और 10 से 15 मिनट सवालात के लिए होते हैं जो साफी सवाल कर रहे होते हैं। तो अगर ये अपनी स्पीच खत्म करते करते, मिसाल के तौर पे मार्केट बुलिश एक्सपेक्ट कर रही थी और ये बुलिश नहीं होता, ये या तो न्यूट्रल होता है, यानी ये ऐसा कुछ भी कमिट नहीं देता, तो इस इंपैक्ट को कहते हैं प्राइस इन, जो मैंने आपको बताया था, इस इंपैक्ट को कहते हैं मार्केट प्राइस इन कर रही है, जैसा सोचती है मार्केट वैसा मार्केट प्राइस इन कर रही है,
यानी उसके असरात को पहले ही अपने अंदर जज़ब करना, इसको हम प्राइसिंग कहते हैं। जो कुछ होने जा रहा हो उसे असरात को पहले ही मार्केट अपने अंदर जज़ब करना शुरू कर दे तो प्राइस, तो मार्केट अपनी बुलिश एक्सपेक्टेशन को प्राइसिंग करती है, ऊपर चली जाती है, और मान लो ये आके न्यूट्रल रहता है, कुछ ऐसा नहीं कहता, तो मार्केट जितना ऊपर गई है ना उतनी वही एंगल बना के नीचे आएगी और ये अपॉर्चुनिटी होती है। कैसे पता लगती है, ट्रेड करने का तरीका क्या है? नंबर वन, M5 पे आपने देखना है आधा एक घंटा पहले कि अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है तो समझ जाएं कि मार्केट बुलिश एक्सपेक्ट कर रही है, एक हो गया। अब दूसरा तरीका है, आपने स्पीच सुनो, लिंक आ जाता है फॉरेक्स फैक्ट्री पे और उस पर क्लिक करके या उसके सेंट्रल बैंक की वेबसाइट पे चले जाओ और YouTube का लिंक आ जाता है, अमूमन YouTube का लिंक आ जाता है, वो स्पीच दे रहा होता है, वो स्पीच सुननी होती है आपने, और यकीनन उसके लिए आपको थोड़ा सा आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आपको इकोनॉमिक फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ फॉरेक्स लाइव पे भी पॉइंट्स अपडेट हो रहे होते हैं, पॉइंट अपडेट हो रहे होते हैं, और आपने फील किया नहीं उसने ऐसी कोई बुलिश बात नहीं की है और बस ने कहा सब ठीक है और ऐसे ही चलता रहेगा, तो जैसे ही 40-45 मिनट में उसका टाइम खत्म होगा और सवाल जवाब शुरू होंगे, मार्केट मुड़ेगी और आप उसे सेल कर सकते हैं और जहां से वो चली थी वहां से अपना वापस आएगी। ये मतलब मारियो ड्रागी, क्रिस्टिन लेगार्ड से पहले होता था, मारियो ड्रागी एक दो स्पीचेस मैंने ऑन लाइव स्टूडेंट के सामने उनको ट्रेड करके दिखाया ना कि ये देखें कि मारियो ड्रागी कुछ कह नहीं रहा खास और मार्केट बुलिश ले रही है, अब हम इसको सेल। दूसरा ही होगा कि मार्केट बुलिश एक्सपेक्ट कर रही है और ये भाई सहभागी को बहुत ही बेरिश बात कर देते हैं तो मार्केट को एकदम झटका लगेगा और मार्केट बड़ी स्पीड से नीचे आएगी। अगर एक्सपेक्टेशन बुलिश थी और ये बेरिश हो गया, ऐसी सूरत में कैसे ट्रेड करेंगे? इस झटके को एकदम ट्रेड नहीं करना, ये जब रिट्रेसमेंट देगी ना उस रिट्रेसमेंट को आपने ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल के मार्केट में पहले ऊपर गई है इसपी और जब इस बीच में अचानक उसने कोई नेगेटिव बात कर दी तो मार्केट ऐसे आना शुरू करेगी कि जब भी पहली रिट्रेसमेंट दे इसको आप लगा लो कि जब भी 40-50% रिट्रेसमेंट दे, यानी जितना मार्केट भागी है उसके आधी रिट्रेसमेंट दे रही है ना, आप यहां से सेल ट्रेड लगा सकते हैं, एसएल यहां पे होगा और सेल ट्रेड लगा सकते हैं और उसका इम्पैक्ट फिर अच्छा खासा चलता है, अगले किसी भी स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट लेवल पे आप टीपी लगा सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए आपको उसकी स्पीच को सुनना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन पता हो और वो क्या कह रहा है ये पता हो तो ही आप इसको ट्रेड कर सकते हैं स्पीच को। इसी तरह अगर ये आप चार्ट ओपन करते हो आधा घंटा पहले ये नीचे जाना शुरू हो जाता है या एक घंटा पहले, समझ जाना मार्केट की एक्सपेक्टेशन बेरिश है। अब आ जाओ स्पीच पे, सुनो उसकी स्पीच। अगर तो डाइवर्जेंस आ गई मतलब वो बुलिश हुआ तो मार्केट फिर, या ये समझ लें पहले मार्केट एक्सपेक्टेशन बेरिश है और ये ऐसी कोई बात नहीं कहता, यानी न्यूट्रल रहता है, ये न्यूट्रल रहता है तो मार्केट ने जितनी मूव प्राइस इन की होगी ना उतनी प्राइस आउट कर देगी इसे, उतना ही प्राइस आउट कर देगी और वो आप ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे उसकी स्पीच खत्म होगी सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे, वो अपनी स्पीच खत्म क्या क्या कहता है, क्वेश्चन प्लीज। अब जब वही कहना क्वेश्चन प्लीज और आपको पता लग जाएगा नहीं इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, इसने कुछ भी ऐसे बेरिश नहीं कहा, तो आप बाय में ट्रेड करो और जहां से मार्केट चली थी वहीं तक वापस जाएगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये बेरिश है और ये न्यूट्रल की बजाय ये बुलिश हो गया, इसने कोई काम रेट हाइक कर रहे हैं या क्यू टेपरिंग कर रहे हैं इस तरह की कोई बात कर दी इसने, तो मार्केट फिर बहुत एग्रेसिव ऊपर जाएगी।
वो जब पहला रिट्रेस करे 40-45% और 40-50% आप उसको बाय ट्रेड कर सकते हैं। एसएल नीचे लगाओ, टीपी अगले किसी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे। तो ये तरीका है सेंट्रल बैंक की स्पीच को ट्रेड करने का। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको इसकी जबान भी समझ में आ जाएगी ये क्या कह रहा है। और जब समझ में आ जाएगी यकीनन आप हफ्ते दो हफ्ते में इस पर कमांड हासिल नहीं कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस पे तो जल्दी कमांड आ जाती है, इस पर थोड़ा टाइम लगता है। आपको शौक के साथ ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, और उसके बाद आप इनकी जबान समझना शुरू कर दोगे कि ये जो बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं। और ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, रेट हाइक, रेट कट, क्यूई टेपरिंग, ज्यादातर यही चीजें होती हैं। या तो इंटरेस्ट रेट की बात हो रही होगी या क्यूई क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात हो रही होगी। बाकी चीजें इतने बहुत इतना ज्यादा मैटर नहीं करती कह सकते। एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेंगे, ठीक है, या GDP की बात हो जाएगी। ये घूम फिर के तीन चार चीजें होती हैं जिनके मुतल्लिक ये सारी चीजें होती हैं। और बाकी सेक्टर इतना इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करते इकोनॉमी में जितना ये तीन चार चीजें करती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी अगर पढ़ लोगे तो आप सेंट्रल बैंक की स्पीच को समझना शुरू कर दोगे। इसमें आपको दो चीजें समझनी है कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उसके दो तरीके बता दिए। ब्लूमबर्ग पे जाके इकोनॉमिक्स को सुन लो, या मार्केट को आधा एक घंटा पहले उसको छोटे टाइम फ्रेम पे मॉनिटर कर लो तो पता चल जाएगा क्या एक्सपेक्ट कर रही है। मार्केट तभी मूव करेगी जब ये दोनों में दोनों सेम नहीं होंगे। अल्टीमेटली मार्केट ने जाना यहीं पे जो ये कह रहा है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया सेंट्रल बैंक की स्पीच को ट्रेड करना। तीसरा, जो तीसरा और आखिरी तरीका, वो है इंडिकेटर को ट्रेड करना। इसमें भी ऑलमोस्ट यही तरीका है जो मैंने आप लोगों को बताया, अब मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। पहले सुन ले, फिर मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूं, फिर हम आपके सवाल लेंगे, फिर अपने सवाल कर सकते हैं। हमेशा से जो न्यू कमर्स हैं उनकी कोशिश रहती है कि ये जो फॉरेक्स फैक्ट्री के इंडिकेटर हैं ये ट्रेड करना सीखें, ठीक है। और मजे की बात आप देख लीजिए, ये ट्रेड करना एक शख्स सिखाता है जैसे मैंने सीखे हैं, मैं आपको उसका नाम भी बताऊंगा अभी कौन है वो, लेकिन बाकी मार्केट में कोई नहीं सिखाता। मैंने बड़ा सर्च किया, कोई नहीं बताता कि इनके इंपैक्ट कैसे ट्रेड करने। मैंने कहां से सीखा, किससे सीखा, किस शख्स से सीखा, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा इसी वेबिनार के आखिर में, क्योंकि बड़ी बड़ी स्पाइक लगते हैं इस पे, ठीक। अब तरीका ये होता है इसको ट्रेड करने का, मैंने आपको बता दिया पहला स्पाइक को ट्रेड करना वही बंदा ट्रेड करता है जिसको लिक्विडिटी का नॉलेज ना हो। बड़ी बड़ी स्लिपेज मिलती है, जो स्पाइक लगते हैं, तो पहला स्पाइक को ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बाद का इंपैक्ट बहुत आसानी से और बहुत प्रॉफिटेबली ट्रेड कर सकते हैं। मैं अभी आपको चार्ट में भी दिखाता हूं कैसे। अगेन, कोई भी फिगर आने वाला है ना, तो उसके बारे में मार्केट की एक फोरकास्ट होगी या सेंट्रल बैंक का व्यू होगा। दोनों कहां से मिलेंगे मैं आपको बताता हूं। मान लो एक इंडिकेटर आने वाला है, फोरकास्ट कैसे पता लगेगी फोरकास्ट कहां पे? ये बड़ा आसान है, बहुत आसान है। कोई भी इंडिकेटर आने वाला हो ना, एक मिनट कहां चला गया, ठीक है, कोई भी इंडिकेटर आने वाला है तो ये फोरकास्ट है, ये प्रीवियस फिगर होते हैं,
ये फोरकास्ट कहलाती है, और ये एक्चुअल फिगर जो अभी अभी आया होता है या अभी आने वाला होता है ये होता है, इसको फोरकास्ट कहते हैं। फोरकास्ट को मालूम करना डेड इजी है, आपको पता चल जाएगा कि फोरकास्ट क्या है। इंडिकेटर के बारे में, फोरकास्ट कौन कर रहा होता है, बहुत बड़ी तादाद होती है इकोनॉमिस्ट की, मईशत दानों की, जो कि इकोनॉमी पे गहरी नजर रखी हुई होती है, और वो बताते हैं कि ये इंडिकेटर ऐसा आ सकता है, अच्छा आ सकता है, बुरा आ सकता है, या पहला है वैसे ही आ सकता है। तो वो फोरकास्ट कर रहे होते हैं जो फॉरेक्स फैक्ट्री हमें दिखा रहा होता है। सेंट्रल बैंक का व्यू कैसे पता लगेगा, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट पढ़ के पता लगेगा, या किसी गवर्नर की स्पीच से पता लगेगा। इन दो चीजों से हमें पता लगता है कि सेंट्रल बैंक जो इंडिकेटर आ रहा है उसके बारे में क्या राय रखता है। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयमेंट का इंडिकेटर आ रहा है या सीपीआई आ रहा है, आपको पता लग जाएगा इनकी स्पीच में। जैसे अभी मैंने आपको दिखाई ना आरबीएनजेड का जो गवर्नर है, और मैंने बताया ना कि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हम क्वांटिटेटिव ईजिंग को रूल आउट नहीं कर सकते, मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग का हिंट दे रहा है, और ये बता रहा है कि इंटरेस्ट रेट अभी तो सोचना भी मत कि हम उसमें हाइक करेंगे, लो इंटरेस्ट रेट बड़े टाइम तक रहेंगे। तो वो हिंट दे रहा है आपको सीपीआई के बारे में, जो न्यूजीलैंड का सीपीआई है उसके बारे में आपको हिंट दे रहे हैं दोनों, कि सेंट्रल बैंक अपना व्यू दे रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक का व्यू पता लगता है मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नर की स्पीच से, और फोरकास्ट हमें पता लगती है फॉरेक्स फैक्ट्री का जो कॉलम है ना वहां से पता लगती है। तो इंडिकेटर को ट्रेड करने के लिए आपको इनका नॉलेज होना चाहिए, वरना आप इंडिकेटर ट्रेड नहीं कर सकते। फोरकास्ट का नॉलेज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जाके फॉरेक्स फैक्ट्री खोलनी है और देख लेना फॉरेक्स फोरकास्ट क्या है। असल जो चीज है वो ये कि इसका नॉलेज लेना, और ये मैंने आपको दिखा दिया फॉरेक्स लाइव से बड़ा आसान, मैंने आपको दो मिनट में रीड करके बता दिया वो क्या कह रहा है, हालांकि मैंने पहले रीड नहीं किया उसे, मैंने खोला 5 सेकंड लगे और मैंने आपको बता दिया क्या कह रहा है। आप भी कर सकते हो, वो भी मुश्किल नहीं है, तो थोड़ा सा मेहनत करके ये जार्गन्स वगैरह सीख लें, तो ये ज्यादा मतलब एक दो बार सीख लिया तो अगले आपके लिए मुश्किल नहीं है। इंडिकेटर ट्रेड करने के लिए आपको इस चीज का पता होना चाहिए ये क्या कह रहे हैं। अब पहला एरिया क्या है कि जो भी फिगर्स आते हैं वो इनके हिसाब से आ जाते हैं, तो ट्रेड कैसे करेंगे। देखिए, अगर तो इसमें भी दो तीन चीजें होती हैं, मान लो ये बुलिश सोच रहे थे और इंडिकेटर एज एक्सपेक्टेड आया, कैसे मैं आपको चलो चल के थोड़ा सा दिखा भी देता हूं ताकि आप लोगों को कुछ चीजें देख के भी पता लगे। मैं दिखा देता हूं एज एक्सपेक्टेड क्या होता है, ये देखो ये होता है एज एक्सपेक्टेड, पुरानी रीडिंग थी 0.5, मार्केट की तवक्का थी कि 0.5 ही रहने वाली है और आई भी 0.5। इंटरेस्ट रेट देख लो न्यूजीलैंड का, पुराना इंटरेस्ट रेट 0.25% था, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्वार्टर ही रखेंगे इसे और क्वार्टर ही आया। इसको इसको हम कहते हैं कि जो सेंट्रल बैंक या मार्केट का व्यू है ना, इंडिकेटर वैसे ही आया, ठीक है। तो होता क्या है कि मार्केट अगर ऐसे जारी है वो जाती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उस इंडिकेटर को फिर ट्रेड नहीं कर सकते अगर अलाइनमेंट के साथ आता है। ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ट्रेड ऐसे कर सकते हैं कि मार्केट सोच रही है, मान लो कोई भी रीडिंग है 2.0, मार्केट की फोरकास्ट है 2.2, अगर ये आ जाती है ना 4.2, 2.4,
तो मार्केट को यानी बेटर देन एक्सपेक्टेड आ गया, इसको हम कहते हैं बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो होगा क्या, मार्केट को ऐसे जाते जाते एकदम झटका लगेगा, इस झटके के बाद मार्केट जब 40-50% आए ना, तो आपने बाय ट्रेड लेनी है। और जो करीब तरीन लो होगा ना, सिग्निफिकेंट लो होगा, उसके नीचे एसएल रखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, अभी रिसेंटली हुआ है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि, दिखाता हूं क्या हुआ है। ये देखें पाउंड के इंडिकेटर क्या हुए हैं, बड़ी जबरदस्त डेविएशन आई है। ये देखें, और इसको ट्रेड कैसे हो सकते हैं, पुरानी फिगर थी जीरो, ये बहुत बुरा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2.6 माइनस 2.6 आएगा, और आया -2.0, यानी 0.6% बेहतर, जो बहुत बड़ी डेविएशन है। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि -2.6 आएगा, ये -2 आया, बहुत बेहतर, तभी ग्रीन में आया। यही नहीं, बाकी सारे इंडिकेटर बेहतर आए। देखो ये 11 बजे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि -7.9 होगा, और ये इतना बेहतर आया -5.8, 7.1, 5.9। ये देखो 2.5, ये 1.9 आया। यानी जितने भी इंडिकेटर पाउंड के आए, ये इनमें बड़ी डेविएशन आई। ये रिसेंट एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, हुआ क्या, ये कहते हैं डाइवर्जेंस, इसे कहते हैं हम डाइवर्जेंस, के ये नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे और इतने नेगेटिव नहीं आए, बहुत उससे बहुत कम नेगेटिव आए। अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते थे, आइए देखते हैं, करता हूं, कोई इशू नहीं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं इसी पॉइंट को। अच्छा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई इशू नहीं। अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि 11 बजे न्यूज आई है, ये देखें, फोरकास्ट थी कि -2.6 आएगी, पुरानी फिगर थी 0.0, यानी इकोनॉमिक्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2.6 आएगी, ठीक है, 2.6% -2.6%, और आई कितनी, बहुत कम, उसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में काफी कम आई, -7.9, 5.8 आई, -7.1, -5.9 आई, -2.5, -1.9 आई, -6.0, 4.3, बहुत ही बेहतर इंडिकेटर आए। इकोनॉमिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड की इकोनॉमी के इंडिकेटर, जो कि जीडीपी मैंने बताया ना, बहुत एक किसी के जमाने में इसको तरक्की का पैमाना कहते थे, बहुत नेगेटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा था कोरोना की वजह से, बट बहुत बेहतर आए, आए नेगेटिव टेरिटरी में, लेकिन इतने नहीं आए, ये तो बहुत ज्यादा नेगेटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उसका फायदा क्या हुआ, अभी तारीख क्या है, 13 मई है और सुबह के 11 बजे है, एक्सएम का टाइम 2 घंटे पीछे है पाकिस्तानी टाइम से। आइए चल के देखते हैं, अच्छा हसन मैं आप अपना, मैं यहां से आपका माइक ऑन कर रहा हूं, आप अपना ना माइक अपनी तरफ से बंद कर दें, और मुझे बता देना कि अगर कहीं पे ऐसा स्क्रीन का कोई इश्यू आ रहा है, ठीक है, ठीक है, आप अपना माइक अपनी तरफ से बंद कर लो हसन, अब मुझे बता देना, मैंने यहां से आपको अनम्यूट कर दिए, बता देना कि कैसे। सो अब अगर गौर से देखें हम, 13 मई सुबह 9 बजे फॉरेक्स फैक्ट्री पे हमें 13 मई 11 बजे की न्यूज आ रही है, एक्सएम का टाइम 2 घंटे पीछे है, 13 मई सुबह 9 बजे ये न्यूज थी, यानी ये झटका था, वो ये वाला झटका था। यहां पे एक टूल है फिबोनाची, हम इसे यहां से ले सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन, राइट,
ये अगर हम लेके लगाए ना यहाँ पे इस मूव को, जो मूव हुई है, हमने पूरी मूव लगानी होगी, ठीक है? तो ये देखें यहाँ पे 50% ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट है, ये देखें, यानी यहां पे आके रुकिए। जनरली इतना डीप जाती नहीं है, जनरली क्या करती है मोस्ट ऑफ टाइम ये क्या करेगी 50% के करीब आती है और निकल जाती है यहां से, इतना डीप नहीं आती। फिर भी जब हम बाय करते हैं, जैसे यहां पे बाय कर लिया, इसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न ही देखते हैं, पर 50% टच हो बाय कर लो अगर डेविएशन आई है, और अपना एसएल यहां पे लगाए सिग्निफिकेंट लो के पीछे, सिग्निफिकेंट लो यही है क्योंकि ये तो जैसे स्पाइक बना हुआ है, सिग्निफिकेंट लो नीचे स्पाइक लगाएं। ऐसी सूरत में अगर आपका एसएल इतना बड़ा है तो देखें इसका इंपैक्ट, देखें कितना ऊपर गया है, 1-2 तकरीबन बनती है। तो ये एक रीसेंट एग्जांपल है, एक रीसेंट एग्जांपल मैंने आपको दिखाई कि अभी आज हमारी 15 तारीख है, 13 तारीख को ये अपॉर्चुनिटीज आई, ठीक है? इस तरीके से हम प्राइस को इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, सो ये जैसे आप लोगों को आइडिया है कि इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर फोरकास्ट और सेंट्रल बैंक बोलिश है और मार्केट बोलिश आती है तो जस्ट अगर अब ट्रेंड चल रहा है तो चलता ही रहेगा। लेकिन अभी आपने देखा कि अगर बेटर देन एक्सपेक्टेड आ जाता है तो मार्केट स्पाइक करती है, 40-50% पे आप ट्रेड करो ऊपर। इसी तरह इसका रिवर्स लगा लो कि अगर फोरकास्ट से सेंट्रल बैंक नेगेटिव है और डेटा भी नेगेटिव ही आता है तो बस चलता ही रहता है, कोई मार्केट पे इंपैक्ट नहीं आता। इंपैक्ट तब आता है अगर ये बेटर देन एक्सपेक्टेड हुई, बेटर देन एक्सपेक्टेड हुई, वर्स देन एक्सपेक्टेड, सॉरी हम इसे बेटर देन एक्सपेक्टेड नहीं कहेंगे, यानी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी बुरी न्यूज हुई, मार्केट नीचे आ रही है, बहुत और नेगेटिव इंडिकेटर आ गया, मार्केट स्पाइक मारेगी, 50% रिट्रेस करे, आप सेल करो और यहां पे आप एसएल रखो। ठीक है, और सर ट्रेड करो। दूसरा और आखिरी तरीका डाइवर्जेंस, ये तो बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। वो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर सेंट्रल बैंक ये सोच रहा है बुलिश और आ जाए बेरिश, ठीक है, मिसाल के तौर पे सेंट्रल बैंक ये फोरकास्ट है कि बहुत बेहतर आएगी और आ जाए बहुत बुरी, तो मार्केट फॉर एग्जांपल ये बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा है तो मार्केट प्राइसिंग कर लेगी और आ जाए बुरा, ठीक। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना आपको, इसमें आप लोगों को एक चीज समझने की जरूरत होगी, अल्टीमेटली प्राइस वहीं जाती है जहां पे ये चाह रहा होता है। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी बुलिश है, फोरकास्ट बुलिश है, सेंट्रल बैंक का व्यू बुलिश है, तो अमूमन करेंसी अप ट्रेंड के अंदर होगी, और अगर नेगेटिव आती तो देखना जरा कैसे होगा, इंडिकेटर ऐसे मारेगा नेगेटिव आएगा। लेकिन ये याद रखिएगा एक नेगेटिव इंडिकेटर बैंक का व्यू जनरली नहीं बदल पाता, इकोनॉमी हमें आने वाला एक नेगेटिव इंडिकेटर बैंक का व्यू बदल नहीं पाता। होगा क्या, मार्केट स्पाइक करके आती है और आने के बाद मार्केट अल्टीमेटली रिकवर करेगी, या तो डबल बॉटम बनाएगी, या डबल बॉटम नहीं भी बनाए तो मार्केट जब हाई ब्रेक करे
और यहाँ पे सिग्नल दे आप बाय में चले जाएं, तो मार्केट फिर ये चीज सारा रिकवर करेगी। ये कब है, ये पॉइंट समझा रहा हूं मैं कि सेंट्रल बैंक और फोरकास्ट बुलिश है, डेटा बहुत बुरा आ जाता है, तो मार्केट चलते चलते ये डिप मारेगी और इस तरह करके और फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। इसका उलट यही है कि सेंट्रल बैंक बेरिश है और डेटा कोई बहुत पॉजिटिव आ गया, मार्केट इस तरह ऊपर जाएगी और इस तरह कोई डबल टॉप बना के, और अल्टीमेटली आना तो उसने इसी डायरेक्शन में होता है। बस इसमें लॉजिक ये होती है, जो लॉजिक मैं बता रहा हूं, इसमें लॉजिक क्या होती है, शुरू शुरू में मुझे भी बहुत मुश्किल लगा था, आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, बट इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें बार बार। डेटा देखें, लॉजिक असल में क्या होती है, लॉजिक ये होती है कि हम ये देख रहे होते हैं कि प्रीवियस डेटा क्या था और फोरकास्ट क्या है, ये 2.0 था, ये 2.0 है और ये 2.0 है, मार्केट में कुछ भी नहीं होगा, ये करो, ये 2.0 है और फोरकास्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1.8 और ये आ जाता है 2.2। तो इसका मतलब है फोरकास्ट नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रही थी, आया बहुत ज्यादा पॉजिटिव, फोरकास्ट नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रही थी और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ गया। अगेन स्पाइक ऐसे लगता है, आप उसे 40-50% में आप ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह ये 2.2 है और मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है इसे 2.4 और आ जाता है ये, फॉर एग्जांपल 2.0, बहुत नेगेटिव आ जाता है। अब यहां पे मैटर क्या करेगा कि अगर सेंट्रल बैंक भी बुलिश है ना, फोरकास्ट भी बुलिश है, जैसे मैंने बताया दोनों बुलिश हैं, तो प्राइस जाते जाते एक डिप मारेगी इस नेगेटिव वजह से, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस अपने आप को रिकवर करती है और डिप के बाद वाला इंपैक्ट आप ट्रेड कर सकते हैं। सो हम चलते हैं यहाँ पे, तो ये तरीके हैं कि आप इंडिकेटर को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, बट असल में मकसद यही है कि सेंट्रल बैंक जो सोच रहा होता है और फोरकास्ट जो होती है, अगर ये बेहतर है और इंडिकेटर मजीद बेहतर आ जाता है तो प्राइस चलते चलते ऐसे जाएगी, अगर ये बेहतर है और इंडिकेटर इतना ऐसे ही आता है तो ऐसे चलती रहेगी। ठीक, और अगर ये बेहतर सोच रहे हैं और इंडिकेटर नेगेटिव आता है तो प्राइस चलते चलते ऐसे डिप मारेगी और फिर अल्टीमेटली इसको रिकवर करेगी। ये तो सिर्फ इस तरह करके ऐसे जाएगी तो रिट्रेसमेंट होगी, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगी, लेकिन ये क्या करेगी, ये बहुत डीप डिप मारती है और फिर ऊपर निकलती है। अभी तीन अलग अलग कंडीशन है, ये जैसा बुलिश सोच रहे थे प्राइस भी बुलिश निकली, नंबर टू बुलिश सोच रहे थे प्राइस इनकी सोच से ज्यादा बुलिश निकली, नंबर तीन बुलिश सोच रहे थे और प्राइस नेगेटिव निकली, इस तरह के एंगल बनते हैं। तो ये भी ट्रेडेबल होता है, ये भी। इसी तरह इसका उलट लगा लूं, तीन कंडीशन उल्टी होती है, फोरकास्ट भी और सेंट्रल बैंक का व्यू बेरिश था, मार्केट बेरिश चलती भी आ रही है। फोरकास्ट और सेंट्रल बैंक का व्यू
एक्सट्रीमली मतलब नेगेटिव था, बट प्राइस और ज्यादा नेगेटिव आ जाती है, ये ऐसे डिप मारेगी और रिट्रेस करेगी और फिर चली जाएगी, तो ये ट्रेडेबल इतनी नहीं होती। अगेन ये क्योंकि ये नेगेटिव थे और प्राइस और ज्यादा नेगेटिव आ गई। अच्छा, ये नेगेटिव थे और प्राइस पॉजिटिव आ गई, तो मार्केट ऐसे जाएगी और इस तरह करके वो डबल टॉप बनाएगी, यहां से रिकवर करती हुई आएगी, तो आपने फिर वहां से उसे ट्रेड करना होता है। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं जिनको आपको समझना होता है और फिर आप ट्रेड करते हैं। अब मैं आपको बताऊं मजीद आप कैसे सीख सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आइंदा अभी चल के रमजान के बाद ना हम आप लोगों के साथ मैं फंडामेंटल भी अपॉर्चुनिटीज वगैरह शेयर करूं, आप लोगों को साथ दिखाऊं। हम अपने पोर्टल पे अब रेगुलर एनालिसिस शुरू हो गए और मैं अब आप पे नॉलेज बेस्ड आर्टिकल शेयर किया करूंगा जिससे आपकी मजीद अंडरस्टैंड, जैसे मैंने भी आपको पाउंड की न्यूज बताई ना, इसी तरह आइंदा जो जो भी न्यूज आती रहेंगी, जो मैं न्यूज कवर करूंगा, उन न्यूज पे मैं आर्टिकल लिख के पोर्टल पे लगाया करूंगा जो कि आप लोगों को मिलेंगे, और आप उससे फर्दर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि ये इंडिकेटर सेंट्रल बैंक क्या सोच रहा था, फोरकास्ट क्या थी, इंडिकेटर क्या आया, उसको ट्रेड कैसे किया जा सकता था। ठीक है, तो एक तो ये होगा इंशाल्लाह हम आपकी कॉन्टिन्यूसली आपकी ट्रेनिंग रखेंगे, कैसे थ्रू अपने आर्टिकल्स के थ्रू, अपने एनालिसिस के थ्रू। दूसरा, पर्सनली अगर सीखना चाहते हैं तो ये एक बुक है, ये बुक हसन आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, बेहतरीन बुक है, द ट्रेडर्स गाइड टू की इकोनॉमिक इंडिकेटर, एग्जैक्टली जो हमें चाहिए, रिचर्ड जामरोन की 2004 में लिखी थी, कि ट्रेडर को गाइड किया है इसमें कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को क्या होते हैं, कैसे ट्रेड किया जाता है, तो बेहतरीन बुक है, ये आपको मिल जाएगी। दूसरा एक ऑनलाइन सोर्स है, जेरेड डेविस, मैंने इनसे सीखा है फंडामेंटल, मैंने इनसे फंडामेंटल सीखा है, इनकी ऑनलाइन है, इनका फ्री रिसोर्स भी है, फेसबुक पेज भी है, इनकी अपनी वेबसाइट भी है, आप इनकी वीडियोस, इनका यूट्यूब चैनल भी है, आपकी वीडियोस देख सकते हैं। यानी जो मैंने टेक्निक्स आप लोगों को बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली जेरेड डेविस की टेक्निक है। ये कौन थे, कौन है, बल्कि बार्कलेज हेज एक फंड है, बार्कलेज जैसा बैंक भी है, इन्होंने इसको वर्ल्ड नंबर 2 ट्रेडर करार दिया था, इसने 4 साल के दौरान 915% अकाउंट ग्रो किया था, और ये प्योरली फंडामेंटल ट्रेडर है, ये टेक्निकल्स को बहुत कम देखता है, मतलब या पिवट पॉइंट यूज कर लेगा, एटीआर यूज कर लेगा, बट एक्चुअली इसकी स्ट्रेंथ फंडामेंटल है। पेड सर्विस भी इनकी तकरीबन $97 पर मंथ लेते हैं, और ये सारा आपको सिखाते हैं, बताते हैं, इनके वीडियोस वगैरह, तो फ्री सोर्स भी इसके हैं, यूट्यूब वगैरह आप देख सकते हैं, और नहीं तो ये जो मैंने वेबिनार अब आपको दिया है इसकी वीडियो देखिएगा, शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते रहें, फंडामेंटल में इंटरेस्ट है, प्रैक्टिस करते रहें, तो यकीन आप सीख जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी गाइडेंस जारी रखेंगे। एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक्सरसाइज क्या है जिससे आपको मदद मिलेगी फर्दर अपनी स्किल्स को पॉलिश करने का, कि सेंट्रल बैंक news.info मैंने बताया, वहां जाएं और रेट पैक तलाश करें। कुछ तो मैंने आपको बता दिए, एक तो मैंने यूरो स्विस अभी आपको बताया, रेट पैक तलाश करें आपको आइडिया होगा। फिर मेजर बैंक की वेबसाइट पर जाएं, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्विस नेशनल बैंक, बैंक ऑफ जापान, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड और बैंक ऑफ कैनेडा, ये जितने भी 8 बैंक हैं इनकी वेबसाइट्स पे जाएं और इनकी मॉनेटरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो और पढ़ो, देखो कि हॉकिश है या डोवेश है,
और फिर अगर आपको मिल जाती है, एक हॉकेश मिल जाती है, डोविश मिल जाती है, उनकी अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करें। और जैसे मैं बताया, अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप फॉरेक्स लाइव पे जाके मॉनेटरी पॉलिसी की समरी भी पढ़ सकते हैं, सेंट्रल बैंक जो गवर्नर स्पीच दे रहे होते हैं, अभी मैंने आपको दिखाई आरबीएनजेड का गवर्नर और जो बातें कर रहा था, मैंने आपको जस्ट दो हेडिंग पढ़ के बताया वो क्या कह रहा है तरकीकत, वही टोटल उनका खुलासा होता है। फॉरेक्स सेक्टर के कैलेंडर पे जाएं, जो भी मैंने आपको जाए दिखाया, और हाई इंपैक्ट न्यूज है ना, इनमें आपने एफएफ नोट्स, वाई ट्रेडर्स केयर और ड्राइव बाय, ये पढ़ेंगे तो आपको इंडिकेटर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। कैसे, मैं एक बार दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये न्यूजीलैंड का बिजनेस कॉन्फिडेंस, अगर मैं क्लिक करूं तो आप ये देखें एफएफ नोट्स, ये आपको बता रहा है कि इसका इम्पैक्ट वगैरह बता रहा है। वैसे तो यूजुअल इफेक्ट ये है, लेकिन ये आपको ये बता रहा है कि जीरो से ऊपर जो है ऑप्टिमिज्म, जो कि बेहतर होता है, और नीचे पैसिमिज्म शो करता है। व्हाई ट्रेडर्स केयर, ये आपको एग्जैक्टली बता रहा है कि ये है क्या। ट्रेडर्स क्यों इसकी परवाह करते हैं। और ड्राइव बाय में ये बता रहा है कि दर हकीकत 1500 बिजनेस हैं जिनको जो रिस्पोंडेंट है सर्वे का, और उनसे 12 महीने आगे की आउटलुक पूछी गई है। इससे आपको एक एक अच्छे से आइडिया होता है कि ये इंडिकेटर है क्या, ये क्या कर रहा है। और धीरे धीरे इसी तरह आप इंडिकेटर्स को सीखें। मैंने भी ऐसे ही सीखा, हर इंडिकेटर को जो नहीं होता उसको पढ़ा के ट्रेडर्स क्यों केयर करते हैं और क्या, और फिर उसका इम्पैक्ट देखा और उसका इम्पैक्ट फिर चार्ट पर देखा। जब ये काम बार 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 करोगे ना, आपको फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि इसको ट्रेड हमने कैसे करना है। वैसे तो आपको बताया हुआ है, आखिर में अगर फंडामेंटल में अपनी एक्सपर्टीज बढ़ानी है तो दो सोर्स में आपको बता चुका हूं, ये बुक पढ़ लें, जेरी डेविस की वीडियोस देख लें, और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए investopedia.com पे जाके जो भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है ना, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जैसे CPI, PPI, PMI, GDP, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरे इंडिकेटर, ये इन्वेस्टोपीडिया से आप जाके सीखें और इस तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अच्छा जी, अब आपके सवाल लेते हैं, और आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा देर के लिए ये थोड़ा सा स्क्रीन का इशू है, मैंने बताया ना चैट भी ऑफ हो गई है, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि आप लोग हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप लोगों को भी पता है ना कि इशू ये आता है पढ़ाने में सबसे पहले कि जिसमें मोमेंटम से चल रहा होता हूँ ना, मेरी कोशिश होती है मोमेंटम में कायम रखूँ। दरमियान में आने वाले सवालात बाज़वा इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हो पाते और वो मोमेंटम बार बार ब्रेक हो रहा होता है, तो इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अब दरमियान में अब सवाल ना करें। मुझे पता है भी जो लोग हाथ उठा रहे थे वो शायद इस वजह से उठा रहे थे कि स्क्रीन उन्हें नजर नहीं आ रही थी, वो थोड़ा सा इसमें इश्यू हो गया था, इसलिए मैंने उस चीज को आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन किया है और अब वो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो गई है। जी, कोई सवाल करना चाहे अब सवाल करें, बेशक करें, 10 करें, 15 करें, 20 करें, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। जी, किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, मैं 2-4-5 मिनट वेट करूंगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लोज करेंगे। एहतशाम जी, एहतशाम बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, जानना ये है कि न्यूज आती है तो विद इन अ सेकंड किस तरह मार्केट रिएक्ट कर सकती है, मतलब इतनी तेजी से, मतलब एनालाइज करने में टाइम लगता होगा। नहीं, हमने उस झटके को ट्रेड नहीं करना है एहतशाम, वो बेशक जब मार दी रहे झटका, हम तो उसका बाद का जो इम्पैक्ट है वो, मतलब जो उसका इम्पैक्ट 20-25-30 मिनट के बाद, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो इसका इम्पैक्ट जो है 20-25-30 मिनट के बाद आता है, हम उसको ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। अब देखो, अब ये देखो कितनी देर के बाद आया न्यूज, यहाँ पे आई है, ये 5 मिनट की कैंडल है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, मतलब तकरीबन एक घंटे पांच मिनट के बाद जाके उसने हमारे 50 पर के लेवल पर डिप किया है, तो एक घंटा पांच मिनट बहुत ज्यादा ठीक ठाक नहीं होता आपके ख्याल में? है? इतना तो इनफ टाइम होगा ना कि हम उसे ट्रेड कर सकें। यस सर, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा था कि मैं सिर्फ ये, मुझे आपने बिल्कुल बताया कि थोड़ी देर बाद ट्रेड करना है पुल बैक के ऊपर, बट मैं नॉलेज के लिए बोला मार्केट इतनी जल्दी से उस चीज को किस तरह रिएक्ट कर सकती है, मतलब 100 पे एकदम मूव हो जाते हैं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन सर ये है, अगर एक दिन में जैसे जीबीबी यूएसडी हम ट्रेड कर रहे हैं, पाउंड की भी न्यूज आ रही है और यूएसडी की न्यूज भी आ रही है, और दोनों हॉकिश आ गई, पॉजिटिव आ गई है, तो फिर उसमें उस सूरत में क्या किया जाए? उस चीज में जिगजैग लगेगा, कुछ ना करो। जब तक दो अपोजिट चीजें नहीं होती हम ट्रेड नहीं करते। दोनों बुलिश आ गई, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। दोनों बेरिश आ गई, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, आपने लिक्विडिटी क्लास अटेंड की थी? यस सर। अच्छा, मान लो यहां बताया था आपको, मैं एक बाय ऑर्डर लगाता हूं, ठीक है, एक 0.1 की लॉट भी लगा दूंगा ना मैं, सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम इसी लेवल पर इसे पेंडिंग सेल ऑर्डर के जरिए फिल करने की कोशिश करेगा। यस सर, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर पेंडिंग सेल ऑर्डर फिल हो गया तो मेरी ट्रेड खुल जाएगी, बट मान लो यहां पे लिक्विडिटी नहीं है तो सिस्टम अगले लेवल पे जाके पेंडिंग सेल ऑर्डर ढूंढेगा, नहीं मिला अगले लेवल पे जाके ढूंढेगा, नहीं मिला अगले लेवल पे जाके ढूंढेगा, फिर भी नहीं मिला और अगले लेवल पे वो ढूंढता रहेगा। मान लो तस्वराती तौर पे बात करें, 1000 पिप तक कोई पेंडिंग सेल ऑर्डर ही नहीं है, 1000 पिप के बाद जाके एक पेंडिंग सेल ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो मेरी ये 0.1 की ट्रेड मार्केट को 1000 पिप मूव करवा देगी। आइडिया हो रहा है क्यों? जो लोग ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना बाय साइड में, मार्केट क्या कर रही होती है, जैसे मिसाल के तौर पे बाय न्यूज आई, लिक्विडिटी है नहीं, मैंने भी बाय मारी, आपने भी बाय मारी, हम सबके ऑर्डर्स को स्लिपेज मिलती है, और क्योंकि इतने सारे बाय जमा हो चुके होते हैं और मजीद ऊपर भागती है, फिर वो पहला झटका स्लिपेज का मिलता है और फिर मजीद उसका इंपैक्ट क्रिएट होता है, एग्रेसिव इंपैक्ट क्रिएट होता है एग्रेसिव बाइंग का। पहला झटका तो ही वो जो सिस्टम ढूंढ रहा होता है ऑर्डर, जो फ्लैश क्रैश होता है इसी वजह से होता है। ये नहीं होता कि फ्लैश क्रैश जो होता है ना, फ्लैश क्रैश में सिर्फ क्या होता है, फ्लैश क्रैश में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहां पे फ्लैश क्रैश में ट्रेडर को सिर्फ, जैसे मिसाल के तौर पे ये पास प्राइस है, ये बिड प्राइस है, यहां भी लिक्विडिटी है, यहां भी लिक्विडिटी है, ठीक है, मिसाल के तौर पे 100 पिप के लेवल तक यहां लिक्विडिटी है, 100 पिप के यहां पे। जो ट्रेडर्स फ्लैश क्रैश करवाते हैं ना, इनको एग्जैक्टली आइडिया होता है कि लिक्विडिटी कितने लेवल तक है। अगर ये एक ऐसा ऑर्डर मारे यहां पे, एक ऐसा ऑर्डर ये फेंकता है जो 100 पिप के अंदर अंदर का सारा पेंडिंग बाय ऑर्डर कंज्यूम कर जाए, बड़े ऑर्डर के साथ आना पड़ेगा, 100 पिप के अंदर अंदर का सारा ऑर्डर एकदम कंज्यूम करे, तो दूसरी तरफ उसे खिला मिलता है और खिला बहुत बड़ा होता है, ये खिला कई 100 पिप्स का हो सकता है, 1000 पिप्स का होता है। जब प्राइस वहां पहुंचती है ना, ये तो प्राइस कंज्यूम कर जाती है, लेकिन जब वहां प्राइस पहुंचती है, प्राइस फिर ऐसा लगता है जैसे बिजली कौन दी है, बस एक सेकंड के 1000वें हिस्से में प्राइस 800, 900, 2000, 3000 पिप पर मूव कर चुकी होती है, क्योंकि सिस्टम ढूंढ रहा होता है ऑर्डर। इसने पेंडिंग सेल ऑर्डर मारा, इसने मार्केट सेल ऑर्डर मारा बहुत बड़ा, यहां तक तो सिस्टम बाय के साथ फिल करता 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 चला गया, लेकिन ऑर्डर इतना बड़ा है, इसको मुकम्मल होने के लिए मजीद
इसे पेंडिंग बाय ऑर्डर चाहिए और वो उसे नहीं मिलते तो वो हर लेवल पे ऐसे ढूंढना शुरू कर देता है। तो अगर ये अगर ट्रेडर इतने बड़े मार्केट सेल ऑर्डर के साथ आता है कि यहां पे पड़ेगी सारी पेंडिंग बाय ऑर्डर्स की लिक्विडिटी कंज्यूम कर जाता है और मजीद उसके सेल ऑर्डर बच जाते हैं, वो सेल ऑर्डर सिस्टम में दूसरी तरफ जो वैक्यूम होगा वो सेल ऑर्डर सिस्टम में बाय ऑर्डर ढूंढते फिर रहे होंगे और वो तेजी से आगे जा रहे होंगे, मतलब नीचे जा रहे होंगे। अब उसे अगर 2000 पिप के बाद मिलते हैं ना पेंडिंग बाय ऑर्डर, तो यहां से वहां तक पहुंचने में वो सेकंड का हजारवां हिस्सा लेगा, ऐसे स्पाइक मारेगी। इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि 2000 पिप की ट्रेड हुई, एक्चुअली तो उसने सिर्फ इस लिक्विडिटी को खा लिया, कंज्यूम कर लिया, शायद ये लिक्विडिटी 100 पिप की हो और प्राइस दूसरी तरफ जो 2000 पिप मूव कर गई, तो इसका ये मतलब नहीं है सेलिंग सिर्फ इस एरिया में हुई है, उस एरिया में तो वैक्यूम हिट हुआ है। समझ आ रही बात? बिल्कुल सर, परफेक्ट। ये फ्लैश क्रैश ये होता है। अभी पाउंड में कुछ ऐसा पहले 2500 पे था और उन्होंने क्या किया है, उन्हें पता था ज्यादातर 100 पिप के एरिया में लिक्विडिटी होगी, 2500 पिप क्या क्या कह रहा हूँ 1.2500 पे था, 1.2500 पे था। अब जो ट्रेडर उन्हें एग्जैक्टली पता, मतलब जो बड़े ट्रेडर होते हैं उन्हें पता है ज्यादातर 100 पिप के एरिया में पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा हुआ होगा और उसके बाद वैक्यूम होगा। उसके बाद उन्हें पता था जो अगला ऑर्डर पड़ा हुआ है ना, वो उनके पास ऑर्डर बुक के प्रीमियम एक्सेस होते हैं, अगला ऑर्डर पड़ा हुआ है 1.1800 पे, तो उन्हें पता था कि 1.24 तक लिक्विडिटी होगी और अगर हम वहां तक लिक्विडिटी कंज्यूम कर जाते हैं, बैंकों को मौका नहीं देते, इंटरबैंक मार्केट को इतना मौका ही नहीं देते कि वो दोबारा लिक्विडिटी लगा सकें, तो हम वैक्यूम तक पहुंचेंगे और वैक्यूम के बाद हम मार्केट को 100 पिप मूव कराएंगे, मार्केट अपने वैक्यूम की वजह से 600 पिप मूव कर जाएगी बगैर किसी ट्रेडिंग के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ ये लिक्विडिटी कंज्यूम कर दी, मार्केट एक दफा वैक्यूम में पहुंची ना तो उसे 600 पिप मूव करने के लिए किसी ट्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, वो बस सेकंड के हजारवें हिस्से में वहां पहुंची है और जहां उसे ऑर्डर मिले वहां पे प्रो ट्रांजैक्ट होना शुरू हुई। तो ये जब लिक्विडिटी का आपको नॉलेज होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये 100 पिप होते हैं ना ये ट्रेड हुए होते हैं, 600 पिप ट्रेड भी नहीं हुए होते, और ये बड़ी बड़ी जो स्पाइक लगती है इसमें एक्चुअली वैक्यूम का किरदार होता है ज्यादा, और जिसको इस चीजों के साथ खेलना आता है, जिन लेवल के ट्रेडर्स को या जिनके पास ऑर्डर बुक के प्रीमियम एक्सेस होते हैं और वो ऑर्डर देख रहे होते हैं, ये उनके खेल होते हैं, मतलब बहुत ही ऊंचे लेवल की चलो गेम्स होती हैं। एहतिशाम क्लियर हुआ कि ये न्यूज के ऊपर परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और अगर अलाउ करें सर, जी पूछे सर, अगर एक न्यूज अगर आ जाती है फेवर के अंदर किसी पेयर के, बट वो फेयर फिर भी अगेंस्ट मूव करता है, जैसे पाउंड में पॉजिटिव न्यूज आ गई लेकिन पाउंड शॉर्ट हो गया है, तो उसमें भी हम बाय के पॉजिटिव ढूंढेंगे? नहीं, आपको देखो ये आपको फिर थोड़ा सा आपके तजर्बे का थोड़ा सा कमी होती है, ऐसे कभी भी नहीं होता। हम आप जिस चीज की बात कर रहे हो मुझे उसका आइडिया है, आप बात अक्सर नॉन फॉर्म पेरोल पे ऐसे होता है, नॉन फॉर्म पेरोल पे, नॉन फॉर्म पेरोल पॉजिटिव आ गया, पेयर नीचे जा रहा है, हम परेशान क्यों हो रहा है। उसके साथ एक और न्यूज होती है अवर्ली वेजिंग की, यस नहीं बिल्कुल होता, वो इन्फ्लेशन का इंडिकेटर होता है, हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं कि वो नेगेटिव आ जाता है और ये पॉजिटिव आ जाता है, मार्केट उसको फॉलो करती है ज्यादा, क्योंकि इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक की मेन पॉइंट होता है। तो जब भी कभी ऐसा रहो कि न्यूज जो है वो नेगेटिव हो और न्यूज पॉजिटिव हो, मार्केट नेगेटिव आ रही हो, नंबर वन ये चेक करो कि उसके साथ की कोई ऐसी न्यूज है जो नेगेटिव आई हो, एक चीज। दूसरी चीज आपको पता है ऑयल की पॉजिटिव न्यूज ऑयल गिराती है और नेगेटिव न्यूज नेगेटिव फिगर उसे बढ़ाते हैं, क्यों होता है ऐसा, ये मालूम है? यस सर, डिमांड है, यस सर है,
यस सर, क्या क्या मालूम है बताओ, ऑयल का नेगेटिव फिगर्स आए तो वो ऊपर क्यों भागता है, पॉजिटिव फिगर भी नीचे क्यों आता है? सर पॉजिटिव फिगर इस वजह से आती है, जैसे वेडनेसडे को ऑयल इन्वेंट्री रिलीज होती है, ठीक है, तो वो अगर क्रूड ऑयल ऑयल की इन्वेंट्री बढ़ रही है, इसका मतलब है सर सप्लाई बढ़ रही है, तो सप्लाई बढ़ती है तो ऑब्वियसली डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ती है, और अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर को देखें तो वो नेगेटिव है ऑयल के लिए। जब ऑयल में ये होता है, ऑयल में जब पॉजिटिव फिगर आए तो इसका मतलब सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा होने से डिमांड कम होती है, इसलिए पॉजिटिव फिगर पे प्राइस नीचे जाती है और नेगेटिव पे ऊपर भागती है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है। ये भी आपको देखना पड़ता है। इसके अलावा आपको देखना पड़ता है बाज ऑफ फिगर जो है, मिसाल के तौर पर एक खसारे का फिगर है, एक डेफिसिट है, अगर डेफिसिट फिगर नेगेटिव फिगर होगा तो इकोनॉमिकली अच्छी बात है, प्राइस ऊपर भागेगी, और खसारे का पॉजिटिव फिगर आता है तो मार्केट के लिए बुरी बात है, नीचे भागेगी। तो आपको यह भी देखना होता है कि एक्चुअली अगर आपको लगता है कि मार्केट ने उल्टा रिएक्ट किया, उसके दो रीजन हो सकते हैं। नंबर वन, हो सकता है उसके साथ कोई और बड़ा इंडिकेटर नेगेटिव आ गया हो, अपोजिट आ गया हो। नंबर टू, आप इंडिकेटर को समझे ही नहीं हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है वो खसारे का इंडिकेटर हो, डेफिसिट का हो, या जैसे मैंने अभी ऑयल का बताया, सप्लाई डिमांड का कोई चक्कर हो तो आपको लग रहा है उल्टा गया है, बट देर इज अ रीजन ऑलवेज। यकीनन आपको नहीं तो अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो आप बिल्कुल सवाल वगैरह पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा उसको एक्सप्लेन करूं। जब भी मार्केट में कोई ऐसी न्यूज होती है जो ऐसी नहीं होती कि उसे मतलब लोग नहीं समझ रहे, तो मेरी कोशिश होती है मैं उस पर अपने नॉलेज के हिसाब से गाइड करूँ अपने फॉलोअर्स को कि क्या हुआ है मार्केट। जैसे मैं ऑयल में अभी जीरो से नीचे गया था तो वो मैंने फौरन फेसबुक पे लगाया था कि क्या हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर, माइक वेलकम। अपना माइक बंद कर ले, और अगर किसी का क्वेश्चन हो, और तो कोई किसी का क्वेश्चन है? ठीक है, आमिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, फैसल आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट हो गए, और अब जो दो क्लासेस रह गई हैं उनमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट, ठीक है, ये इंशाल्लाह हफ्ते को होंगी और पीर को होंगी। हफ्ते को सर नाजिश जो हम सबके सीनियर हैं वो प्रोग्राम कर रहे हैं, जरूर अटेंड कीजिएगा, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान से उनसे पुराना ट्रेडर तो हम ढूंढ भी नहीं सकते, माशाल्लाह कुछ 34-35 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे तो ग्रैंड 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 सीनियर हैं, तो जरूर अटेंड कीजिएगा।